गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी घर में सही होंगे, ठीक है। आपकी फैमिली भी बिल्कुल सही होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी, मतलब जितनी भी आप सबकी ड्रीम्स है वो सारे पूरे करे, और इस वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है माता रानी सब कुछ सही करे। हम भगवान से बस यही प्रे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब प्लीज ध्यान सुना, आपने शायद कल सुना होगा सर कि जो हमारा लॉकडाउन है वो पूरे इंडिया में हो चुका है 15 अप्रैल तक, क्योंकि ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि 15 अप्रैल तक इट मीन्स कोई भी घर से बाहर नहीं आएगा। तो इट मीन्स मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ सर, प्लीज 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 अब अपने अपने घर से बाहर नहीं आना। आपने अपना भी ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान देना है, और प्लीज आपने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान लगाना है। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना सर, ये टाइम जो है, जो टाइम आपको मिला है वो टाइम वेस्ट करने का नहीं मिला, वो टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का मिला है, वो आपको पढ़ने के लिए मिला है। इट मीन्स कैसे भी हो सके आपने इस टाइम को यूज करना है। आपने बिना बात के पूरा पूरा दिन टीवी नहीं देखना, कोई मूवीज आपने घर बैठ के नहीं देखनी। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि मान लो 1-2 घंटे आपने स्पेंड किए फैमिली के साथ, बट फैमिली को भी बोलना पड़ेगा कि मम्मी पापा हमें पढ़ना है, हमारे एग्जाम है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप प्लीज बार बार ये क्वेश्चन मुझसे मत रिपीट करो कि सर हमारे जून में एग्जाम होंगे नहीं होंगे, एग्जाम डिले होंगे कैंसिल होंगे। देखो कैंसिलेशन होगी वो अपने हम आईसीएसई में बता देगा, बट अभी तक हमें ये मानना है कि हमारे एग्जाम जून में है, हमें पूरी तैयारी करनी है। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि देखो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं आपके लिए यहाँ पे क्लासेस डेली बेस पे दे सकता हूँ, तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि डेली बेस पे मुझे क्लास देखनी है, डेली बेस पे मुझे पढ़ना है, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं सारी कंप्लीट करनी है, सारी क्लास पूरी देखनी है, मुझे अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी। क्योंकि बिलीव में अगर मान लो बाय चांस मान लो एग्जाम डिले नहीं होते, और अगर आपने इस चक्कर में तैयारी नहीं की कि इसने कहा था कि एग्जाम डिले होंगे और एग्जाम डिले नहीं हुए, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी सर। आपका बिना बात का एक अटेम्प्ट डिले होगा, अभी तक नहीं कोई नोटिफिकेशन आईसीएसई से कि एग्जाम डिले होंगे नहीं होंगे। तो प्लीज आपने अपना पूरा हार्डवर्क जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाना है, जितना भी टाइम आपको मिला है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, आपने उसमें पढ़ने का टाइम भी निकालना है, आपने अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना है। सारे के सारे डे आपका ना डेज वाइज शेड्यूल बनाओ कि आज हमें 24 घंटे में हमें करना क्या क्या, वो सारे के सारे शेड्यूल आपके बने हो। तो प्लीज आपने किसी भी तरह से अब टाइम वेस्ट नहीं करना, और अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना सर, क्योंकि जो प्रॉब्लम बाहर चल रही है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि भैया सिंपल सी बात है कि जितना हो सके आप घर में रहो। तो प्लीज मेरी फैमिली से पूरी रिक्वेस्ट है कि आपने घर में रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, बिना बात के बाहर मत जाना सर, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती चली गई ना, इंडिया में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इसको मजाक अभी भी समझ रहे हैं सर, ये मजाक नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन जो है कभी छोटे मोटे ऐसे केस में नहीं लिया जाता। इट मीन्स उन्हें पता है प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको देख के उन्होंने डिसाइड किया कि भैया कम से कम 21 दिन तो हमें घर में रहना पड़ेगा। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने 21 डेज पूरा घर में रहना है, सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, डेली बेस पे क्लास मिलेगी। और आपको मैंने कल भी कहा था कि अब तो आपको डेली बेस पे क्लास मिलेगी, इट मीन्स इनकम टैक्स की क्लास आपको डेली मिलेगी। बट मैं यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड नहीं करूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि टोटल 6 इनकम टैक्स की क्लास जो होंगे मैं यूट्यूब पे डालूंगा। उसके बाद 7th क्लास से जो बच्चे फेस टू फेस वाले होंगे उनके पास गूगल ड्राइव पे आना स्टार्ट हो जाएगी, और जो बच्चे ऑनलाइन वाले होंगे उनके पास वो डेली बेस पे आ ही रही है। तो पहली 6 क्लास मेरी यूट्यूब पे डलेंगी, ताकि जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते उन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो जाए। बाकी जिन जिन बच्चों ने क्लासेस ली हुई हैं सेम टाइम पे उनके पास डेली बेस पे क्लास आएगी, वो टेंशन बिल्कुल मत लें। और जिन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंची हैं, मैंने कल भी कहा था सर सारी डिलीवरी अभी तक बंद पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पहले 3 चैप्टर मैं अपलोड करवा चुका हूँ, उसके बाद के जो भी चैप्टर्स होंगे होप्सो तब तक डिलीवरी स्टार्ट और आपके पास बुक्स आ जाएगी। बट आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको बुक खोल के दिखाता हूँ, तो सारी नोटिंग हम क्लास में करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जिन जिन के पास स्कैनर नहीं पहुंचा, स्कैनर तो ऑब्वियसली बात हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल ही दिया, प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप जाके स्कैनर डाउनलोड कर लो जी। डेली बेस पे एक सेट वहां पे आएगा, आपने सारे वहीं से प्रैक्टिस करने हैं, जीएसटी का भी होगा, इनकम टैक्स का भी होगा, कंप्लीट स्कैनर मैंने पूरे इंडिया के सारे बच्चे के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाल दिया, ताकि हर बच्चा प्रैक्टिस करे, हर बच्चा रिवाइज करे, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। वो कब होगा? अगर आपने वो स्कैनर डाउनलोड करके आपने कंप्लीट करना स्टार्ट किया होगा। स्कैनर कहाँ से मिलेगा? एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर जाओगे, उसमें मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में
लास्ट में जाकर आपको मैंने उस दिन ओपन करके भी दिखाया था कि वहां से आपको स्कैनर मिल जाएगा, उसमें विद आंसर भी होंगे विदाउट आंसर भी होंगे। पहले आपने विदाउट आंसर वाले करने हैं, फिर आपने विद आंसर वाले करने हैं, फिर आपने चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स सही हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत है और क्वेश्चन वो क्यों गलत है। अगर वो आपको समझ में आ गया क्यों गलत है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आया तो प्लीज आपने मुझसे डाउट पूछने हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन हमारे गलत आ रहे हैं और हमें समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन हमारे गलत क्यों है, तो ये सारे डाउट्स आपने मुझसे पूछने हैं। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। अब मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ जी, ठीक है जी। एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। माता रानी सबके घर में सुख शांति दे, ठीक है जी। अपनी ब्लेसिंग्स रखे, अपने पेरेंट्स को खुश रखना, माता रानी अपने आप खुश रहेगी। अगर आपके पेरेंट्स ही खुश नहीं होंगे तो भगवान भी खुश कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। तो आपका सबसे पहला कर्म यह है कि अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, और दूसरा कर्म यह है कि जो भगवान ने आपको काम दिया वो काम अपने सही ढंग से करना है, उसमें कोई भी लापरवाही अगर आप करोगे आपको लाइफ में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज मुझे पूरी क्लास से रिक्वेस्ट बस ये है कि आपने सही टाइम पर सही जगह पर आपने काम करने हैं, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, घर में रहकर आपने सब कुछ करना है और अच्छे ढंग से होगा। अगर आप टाइम टेबल बनाओगे बिल्कुल सही ढंग से काम होगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो इधर सुना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। अब एक बार मुझे सोच के बताओ सर, अब यहाँ पे ना लास्ट क्लास में पहले तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे घर से करने के लिए। अब जिन जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन किए हैं पहले एक बार वो हैंडल करो, जो 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 क्वेश्चन घर से करके आए हैं, जो मैंने कल से होमवर्क दिए थे जो क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने डाल दिया, किस किस बच्चे ने वो होमवर्क कर लिया जी? कई बच्चों ने किए, कई बच्चों ने किया ही नहीं। हाँ जी, क्यों नहीं किया आपने होमवर्क? क्या घर में पढ़ने का माहौल नहीं बन रहा? ठीक है, तो मतलब आपके लिए एक नया घर खुलवा दे, आपको एक नया रूम बनवा दे। बच्चा कह रहे नहीं सर हमारी फैमिली बड़ी है, हमारे घर में बहुत ज्यादा मेंबर हैं। सर ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मत दो यार, लोग ऐसे ऐसे लोग पहले हैं जिनके घर में एक एक कमरा है वो रैंक लेके आए हैं। तो ये बिना बात के एक्सक्यूज मत दो कि फैमिली बड़ी है, हमारा घर छोटा है, हमारे में पढ़ने का माहौल नहीं बन रहा। सब कुछ बनता है, आप रात को बैठ के क्यों नहीं पढ़ते जब सारे सोए होते हैं? इट मीन्स आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? अब आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है 10-10 घंटे की, आपको 10 घंटे की नींद भी चाहिए, आपको टिकटॉक पे वीडियो भी चाहिए, 2 घंटे फेसबुक के चाहिए, 2 घंटे इंस्टाग्राम के चाहिए। अगर आपको सारा कुछ चाहिए, आपको बस पढ़ाई का टाइम नहीं चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज मुझे मत दो कि हमारे घर में पढ़ने का माहौल नहीं बन रहा। मैं डेली बेस पे एक बात बोल रहा हूँ कि घर में पढ़ने का माहौल नहीं पड़ रहा ना, बन रहा ना, फिर आप लाइफ में कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इट मीन्स अगर मान लो ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अगर उसने बोला कि आपको 30 अप्रैल तक अगर घर में रहना है तो आप तो कह दो मैं तो अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बचा दिया, सब कुछ हो गया, आप घर में बैठे हो आराम से, घर का खाना पीना मिल रहा है, आपकी हेल्थ बिल्कुल सही जा रही है, घर में अच्छा खाना पीना मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप बोलोगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो समझ सकते हो इट मीन्स आप पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो इधर सुना ध्यान से, अब जिन जिन बच्चों ने भी होमवर्क किया है जी उनके एक बार आंसर यहाँ पे चेक करेंगे और सारे आंसर वो निकले कैसे हैं वन बाय वन यहाँ पे चेक करेंगे, और प्लीज आप चेक करना कि आपके आंसर वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है जी। बट उससे पहले एक बात मैंने सोच के बताना, लास्ट क्लास में जो अभी तक हमने कंप्लीट किया था ना, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर से पहले मैंने कहा था कि इनकम टैक्स जो आपका ओल्ड सिलेबस होगा उसके एग्जाम में 70 मार्क्स का है, न्यू सिलेबस के एग्जाम में आपका 30 नंबर का होगा। इनकम टैक्स में आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे ना वो सारे के सारे एक बार हमने वन बाय वन यहाँ पे चेक किए थे। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी आपके टैक्स के रेट होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे, फिर आपका इंडिया में रेजिडेंट होना नॉन रेजिडेंट होना वो सारी बातें हमें देखनी है, इनकम टैक्स में इनकम आएगी कहां से वो नहीं पता, बट हर इनकम के 5 हेड होंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। या तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी, या वो इनकम बिजनेस, या वो इनकम कैपिटल गेन, अगर वो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी तो वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। फिर अगर किसी पर्सन ने इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश की है तो क्लबिंग ऑफ इनकम में वो इनकम ऐड हो जाएगी, अगर कुछ लॉस है वो लॉस माइनस होंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है डिडक्शंस माइनस होंगी, उसके बाद जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, फिर काफी सारे छोटे मोटे और चैप्टर थे जो आपके इनकम टैक्स में यहाँ पे कवर होंगे। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद इनकम टैक्स एक्ट किसे कहते हैं, रूल्स क्या होगा, सर्कुलर क्या होंगे, क्लैरिफिकेशन क्या होंगी, जजमेंट्स क्या होंगी, वो सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि जिनके भी एग्जाम जून 2020 में है, दिसंबर 2020 में है, फाइनेंस एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट्स आई होंगी वो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। जो इस बजट में बजट 2020 के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी वो सिंगल अमेंडमेंट भी आप दोनों के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारा पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना आपको मैंने कहा था कि पूरे इनकम टैक्स का आपका एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, एंड सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट, कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट। इट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट में जितने प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन ही एप्लीकेबल उस पर्सन पे तब होंगे अगर वो सेक्शन 4 में दी गई सारी बातें सेटिस्फाइड करेगा।
अब अगर मैं सेक्शन फोर की बात करूंगा, सेक्शन फोर में क्या लिखा हुआ था, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट इज एन असेसी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो सेक्शन फोर ये बात बोलता है भाई, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी ना, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, असेसी बन जाएगा। एंड जैसे ही वो असेसी बनेगा, जैसे ही वो असेसी बनेगा, फिर वो क्या पे करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा। किस रेट से पे करेगा, जो रेट आपके फाइनेंस एक्ट में होंगे और असेसमेंट ईयर में होंगे। अब अगर मैं पर्सन की बात करूंगा, तो पर्सन में आपके सब लोग कवर होते हैं, चाहे वो पर्सन में इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BY हो, कंपनी हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, सबके सब यहाँ पर कवर होते हैं। पर्सन मीन्स इन द पर्सन इंक्लूड्स लिखा हुआ था। फिर टोटल इनकम मीन्स क्या होता है, पहले आपकी 5 हेड की इनकम आएगी, प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस में लॉस, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम, माइनस में अगर डिडक्शंस कर दोगे तो आपकी इनकम निकल के आती है टोटल इनकम। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, पिछला साल या इनकम कमाने वाला साल। इनकम कमाने वाला साल, आपके इनकम टैक्स में ईयर की दो कैटेगरी होंगी, या तो होगा प्रीवियस या वो क्या होगा असेसमेंट। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा तो इट मींस इनकम कमाने वाला साल हमारा प्रीवियस ईयर बनेगा, और जिस साल की इनकम पर हम जिस साल टैक्स पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। फिर एक बात मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर जो होगा ना, वो 12 महीने का भी होगा, 12 से कम भी होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कब किया है। कमेंसमेंट हमारे किसी काम का नहीं होता, बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर मान लो सिर्फ एक साल ऐसा होगा कि जब 12 महीने से कम होगा, अगले आने वाले साल से ये भी पूरे 12 महीने का होगा। ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि आपके एग्जाम जून में है चाहे दिसंबर में है, तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 1920 रेलिवेंट होगा, असेसमेंट ईयर 2021 रेलिवेंट होगा। इट मींस जो प्रोविजन हम करेंगे उसके बेस पे हम यहाँ पे करेंगे। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अगला पॉइंट आ रहा है, एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। अब अगर मैं एग्जम्पशन लिमिट की बात करूंगा, एग्जम्पशन लिमिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती, इंडिविजुअल में अलग होती है, HUF, AOP, BY, AGP में अलग होती है, कंपनी वाले केस में अलग होती है। अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, इंडिविजुअल में दो कैटेगरी हमने की थी, या तो होगा रेजिडेंट या वो क्या होगा नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट होगा उसकी तीन कैटेगरी होंगी, या तो एज होगी लेस देन 60, या 60 और मोर होगी लेस देन 80 होगी, या 80 और मोर होगी। अब अगर एज आपकी लेस देन 60 है तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, 2.5 लाख की। सेकंड कैटेगरी में 3 लाख की थी, तीसरी कैटेगरी में आपकी इनकम थी 5 लाख रुपए। ये सारी की सारी बातें वहां पर हमने की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई एनआर होगा ना, तो एनआर के हर केस में लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना। फिर अगर मैं बात करूंगा HUF AOP की, उसके भी हर केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट होगी। इनको छोड़कर चाहे वो कंपनी है, फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, हर केस में लिमिट आपकी रहेगी नील। फिर एक डाउट यहाँ पर बच्चे का आता है, सर अगर मान लो बीच में हम 60 साल के हो जाते हैं, या बीच में अगर हम 80 साल के हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा। तो मैंने कहा था अगर आप बीच में 60 साल के हो गए, या बीच में अगर आप 80 साल के हो गए ना, उस केस में जो लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी हायर वाली होगी, लेसर वाली नहीं होगी। इट मीन्स अगर मैं बीच में 60 साल का हो गया, बीच में 80 साल का हो गया, तो लिमिट मेरी 3 लाख और 5 लाख की लगेगी, कम वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर एक बात हमने और की थी कि जिनका बर्थ 1 अप्रैल 1940 का है, या जिनका बर्थ 1 अप्रैल 1960 का है, तो 31 मार्च 20 मतलब इस ईयर में उन लोगों की इनकम पर आपके हायर रेट एप्लीकेबल होंगे। इट मीन्स 31 मार्च को ही हम ये मान लेंगे कि वो 80 साल के हो चुके हैं, वो 60 साल के हो चुके हैं। ये सारी की सारी बातें आती है। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, जो आपके टैक्स रेट हैं, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला पॉइंट फिर ये निकल कह रहा है कि हमारे टैक्स के रेट क्या होंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट वाले केस में अलग होंगे, एनआर वाले केस में अलग चेक करेंगे। रेजिडेंट की तीन कैटेगरी आपको बताया, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अब पहली कैटेगरी में अगर इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी, 5 लाख तक होगी, तो 5%, 5 से लेकर 10 तक 20% है। और अगर इनकम 10 से ऊपर होगी फिर क्या लगेगा, 30%। अब जो भी ये रेट आपके गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये एक्सेस इनकम पर एप्लीकेबल होंगे, ग्रोस इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद फिर सेकंड कैटेगरी निकल के आते हैं, 3 लाख एग्जम्प्ट है, 3 से लेकर 5 तक आपका 5%, फिर 5 से लेकर 10 तक 20%, 10 से ऊपर 30%। ये सारी बातें हमने की। थर्ड कैटेगरी में इनकम 5 लाख एग्जम्प्ट है, 5 से लेकर 10 तक आपका निकल जाएगा 20% और 10 से ऊपर 30%। और एनआर वाले हर केस में जो रेजिडेंट वाले लेस देन 60 वाले रेट एप्लीकेबल होते हैं ना, वही सेम रेट एनआर के हर केस में एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था जब भी आप टैक्स निकालोगे ना, उस टैक्स में 4% आप सेस ऐड करोगे, फिर जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वही आप पे करोगे। सारी के सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा था इंडिविजुअल में ना तीन कॉन्सेप्ट आपके और भी आते हैं, एक आता है सरचार्ज, एक आता है MR और एक आता है रिबेट। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने कहा सर हमें ना याद आ रहे हैं कि सरचार्ज के रेट आपने हमें लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, कोई भी इंडिविजुअल है चाहे वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, सब केस में सेम आपने कहा था। अब अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख तक होती है तो उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता।
अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, उस केस में सरचार्ज लगेगा 10%। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, सरचार्ज लगेगा 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर होगी ना, फिर क्या लगेगा, 37%। अब आपके 4 टायर सरचार्ज रेट होंगे, जो क्लास नंबर 3 के अंदर हमने यहाँ पे समझे थे। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जहां सरचार्ज होगा वहां पर कुछ केस में हार्डशिप भी होगी, और जहां हार्डशिप होगी उस केस में क्या मिलेगा, एमआर। और अगर मैं हार्डशिप वर्ड यूज करता हूँ तो हार्डशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आपका सरचार्ज लगने की वजह से अगर आपका टैक्स इनकम से भी ज्यादा होगा उस केस में एमआर मिलेगा, अगर इनकम ज्यादा होगी फिर वहां पर एमआर नहीं मिलेगा। फिर एमआर माइनस करने के बाद जो भी टैक्स निकल के आएगा उसमें 4% सेस ऐड कर देना, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये एमआर निकलता कैसे है, उसके सारे के सारे स्टेप क्लास नंबर 3 में आपको मैंने सारे के सारे लिखवा दिए थे, आई होप आपने वो लिख भी लिए होंगे। फिर उसके बाद जाते आते ना, एक पॉइंट मैंने और आपको समझाया था, रिबेट। अब अगर मैं रिबेट की बात करूंगा, नाम से पता लग रहा है रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट। और आपको मैंने सिर्फ इसकी नोटिंग कराई थी, हमने समझा नहीं था। इसके अंदर मैंने कहा था रिबेट आपको तब मिलती है अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल हो, दूसरी कंडीशन वो इंडिया का रेजिडेंट हो, तीसरी कंडीशन उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो उन लोगों को रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी। और रिबेट कितनी मिलेगी, जितना भी आपका टैक्स आएगा, या तो 100% या 12,500, विच एवर इज लेस होगा उतने की रिबेट मिलेगी। फिर रिबेट माइनस करने के बाद जो भी टैक्स निकल के आएगा उसमें कहीं सेस की बात होगी, तो मैंने कहा था 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख नहीं है, क्योंकि 5 लाख पर 12,500 टैक्स आएगा, उतने की ही रिबेट मिलेगी और आपका टैक्स आएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि जिन बच्चों ने समझा या जिन बच्चों ने कहीं सुना कि इनकम 5 लाख रुपए की एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट ऐसे बनती है कि नॉर्मल टैक्स 12,500 आएगा, 12,500 की रिबेट मिल जाएगी और फिर आपका टैक्स आएगा नील। एक बच्चा बोल पड़ा सामने बैठा हुआ, कहता सर फिर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख क्यों नहीं कर दी, कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरी इनकम 5,10,000 होगी तो रिबेट मिलेगी नहीं, 2.5 लाख के बाद टैक्स लगेगा। और अगर वही एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख कर देते और अगर इनकम 5,10,000 होती तो फिर 10,000 रुपए इनकम टैक्सेबल होती, बाकी पूरी की पूरी 5 लाख एग्जम्प्ट होती। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इनकम 5 लाख तक है तब तो रिबेट देंगे, जैसे ही इनकम 5 लाख से ऊपर होगी ना उस केस में रिबेट तो भूल जाओ और एग्जम्पशन लिमिट फिर तुम्हारी 2.5 लाख होगी और फिर 2.5 लाख के बाद तुम्हारा टैक्स लगेगा। ये सारी की सारी बातें आती हैं, ठीक है जी। पूरा फ्लो के अंदर मैंने बोल दिया, पूरी कथा आपको सुना दी। देख लो मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर पूरी रिवीजन आपकी होगी, 3 क्लास में जो अभी तक हमने की है ये सारी की सारी रिवीजन है। तो ये मत सोचना मैंने इतना फास्ट क्यों करवाया, क्योंकि जो बच्चे अभी 4थी क्लास सीधा देख रहे हैं वो समझ जाएं कि पहले 3 क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी रिवीजन बस हमने यहाँ पर 10 मिनट में की है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर लोरी, अब ये सारी बातें करने के बाद ना अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए कौन कौन से थे, बताओ जी क्या क्या इसके आंसर निकल के आ रहे हैं, आंसर बताओ आंसर। चलो मैं ही बताऊं फिर आप एक बार चेक करोगे आंसर क्या क्या आ रहे हैं। अरे पहले का आंसर आपका इतना निकल के आ रहा है, पहले का आंसर इतना निकल के आ रहा है, ये वाला आंसर है पहले का, किस किस का ये वाला आंसर है, किस किस का पहले क्वेश्चन में ये वाला आंसर है, प्लीज हैंड रेज जिस जिसका पहले क्वेश्चन में ये वाला आंसर है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी है जी, एक बार बता रहे आंसर निकाला कैसे है। पहली बात तो रेजिडेंट है, एज आपकी 45 है, तो अगर एज 45 है उस केस में लिमिट कितनी लगेगी, 2.5 लाख वाली लगेगी। अब अगर इनकम 18,60,000 पे है तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 8,60,000, उसका हो गया 30%, ठीक है जी। फिर इनकम बचे 10 लाख, 5 लाख से कितनी ज्यादा है, 5 लाख, उसका हो गया 20%। फिर उसमें 2.5 लाख एग्जम्प्ट है और बैलेंस 2.5 लाख पर कितना लगेगा, 5%, तो ये टैक्स निकल के आ गया 8,60,000 का 30% प्लस में 1 लाख और प्लस में 12,500, ये क्या 3,70,500 ये टैक्स आ गया। फिर इसमें 4% सेस ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 385,320, ये फाइनल आंसर है इंक्लूडिंग सेस। आपके बच्चों ने सेस ऐड नहीं किया होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने सेस ऐड नहीं किया वो एग्जाम में 1 नंबर कट करवा के आएंगे अपना सर, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों आंसर दिए होंगे विदाउट सेस और इंक्लूडिंग सेस। तो आपने जब भी आंसर फिल करके आना है ना इंक्लूडिंग सेस वाला करके आना है, विदाउट सेस वाला आपने कोई भी आंसर नहीं करके आना, बस ये पर ध्यान देना, ये बात क्लियर है। तो आपके एग्जाम में जब भी आप आंसर करके आओगे आप ये वाला आंसर करके आओगे, बस ये पर ध्यान दो, क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, अब बच्चा ये बात कह रहा है सर अब जो ये क्वेश्चन आपने हमें दिए थे ना, सही बताएं ये क्वेश्चन हमने किए तो हैं बट हमें पता नहीं हमारे सही है या गलत है।
अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे वन बाय वन आपको दिखा रहा हूं, प्लीज आपने आंसर चेक करना और चेक करना मिस्टेक कहां पर हुई है, क्या पता मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो दोबारा चेक करेंगे। आपने अपने आंसर चेक करने हैं, जिन जिन के सारे आंसर सही होंगे ना, इट मीन्स उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। और अगर आपके सारे आंसर सही नहीं है, एक आधा गलत है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके सारे ही आंसर गलत हैं तो भाई साहब फिर बहुत खतरनाक काम है, इट मीन्स आपके एग्जाम में फिर पक्का पक्का नंबर कटेगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके सारे ही आंसर गलत है, इट मीन्स आप सही तरह से नहीं समझ पा रहे, तो आपको पहले क्लास नंबर 3 दोबारा सुननी है, फिर दोबारा क्वेश्चन करने हैं, फिर चेक करना गलती हो कहां रही है, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे एग्जांपल नंबर 2 से ना, हम यहां पे एग्जांपल नंबर 2 करने जा रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल नंबर 2 है और ये आंसर मेरा ये वाला निकला हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता किन किन बच्चों का सही है, देखो पहले तो चेक करो, इंडिविजुअल रेजिडेंट है, एज आपकी 60 साल है और इनकम है 1,01,50,000। पहले तो ये बताओ, अगर एज आपकी 60 साल है तो लिमिट आपकी कौन सी मिलेगी, 2.5 लाख वाली या 3 लाख वाली? सर अगर एज आपकी 60 साल है तो लिमिट कौन सी मिलेगी, 2.5 लाख वाली या 3 लाख वाली? है ना, लाइक एक बच्चा बोल रहा है 2.5 लाख वाली। सर 2.5 लाख वाली क्यों मिलेगी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर एज आपकी 60 साल या उससे ऊपर होगी तो हर केस में लिमिट कितनी मिलेगी, 3 लाख वाली। अब अगर आपने वो 2.5 लाख से किट में आपने आंसर गलत किया जी, तो मैं सिंपल सी बात ये बात कहना चाहूंगी, अगर आपकी एज एग्जैक्ट 60 साल भी है, नहीं यार ये बात समझ, अगर आपकी एज एग्जैक्ट 60 साल भी है तो एग्जम्पशन लिमिट आपको जो यूज करनी है ना वो 3 लाख वाली यूज करनी है, उसके बेस पे आपको आंसर निकालना है। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का? आओ जी एक बार अब निकालते हैं। देखो जी इनकम 1,01,50,000 है, ठीक है। अब ये मैंने निकाला कैसे, पहले एक बार वो सुना ध्यान से। अब अगर इनकम 1,01,50,000 है, पहले बताओ 10 लाख से कितनी ज्यादा है, क्योंकि 10 लाख वाली सारी इनकम पर ऊपर पर क्या लगेगा, 30%। अब अगर मैं 1,01,50,000 की बात करूंगा ना, तो 10 लाख से ज्यादा है 91,50,000। अब 91,50,000 का 30%, ठीक है जी, और फिर आ गया 10 लाख, और 10 लाख पर आएगा 1,10,000, 1,12,500 नहीं आएगा। बच्चा कह रहा है सर 10 लाख तक तो 1,12,500 आता है ना, वो तब आता है अगर आपकी एज 60 साल से कम होती है। एक बात मुझे बताना, 91,50,000 का 30% निकाल लिया, आप कह रहे हैं 27,45,000, इतना टैक्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? यस। अब मेरी इनकम बची है 10 लाख। अब सोच के बोला, अगर मेरी इनकम 10 लाख है, 5 लाख से कितनी ज्यादा है, 5 लाख, उसका 20%, इसमें 1 लाख और ऐड कर दूं। अब मेरी इनकम बची है 5 लाख, उसमें 3 लाख मेरे एग्जम्प्ट है, नहीं यारी बात समझ, 2.5 लाख एग्जम्प्ट नहीं है, 3 लाख एग्जम्प्ट है। अब अगर 3 लाख एग्जम्प्ट है तो बैलेंस मेरे 2 लाख बचे, उसका 5%, तो 10,000 यहां पर और आ गया, तो आपका टैक्स निकल के आ गया 28,55,000 पे, ये टैक्स आ गया। पहले तो बताओ इस टैक्स निकालने में कोई भी दिक्कत, इस टैक्स निकालने में प्लीज कोई भी दिक्कत है मुझे बता दो यार। देखो आप मेरे सामने नहीं बैठे, प्लीज आपने मुझे बताना है, कैसे बताना है, आपने घर बैठे बैठे मुझे बताना है प्रॉब्लम आ रही है नहीं, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना मुझे यहां पर, बिलीव मी कुछ होता है मुझे समझ में आ जाएगा। इस टैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का पक्का? लास्ट टाइम दोबारा बोल दूं? यस सर दोबारा बोल दूं। 1,01,50,000 है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 91,50,000, उस 91,50,000 का 30% आ गया, उस टैक्स में अब रह गया 10 लाख, 5 लाख से ऊपर हमारे 5 लाख है, उसका 20%, 1 लाख तो वो हो गया, फिर इनकम बची 5 लाख, उसमें 3 लाख एग्जम्प्ट है, बैलेंस 2 लाख का 5%, 10,000 पे वो हो गया, टोटल टैक्स आ गया 28,55,000 पे, ऐसे टैक्स निकाल लेना। अब अगर मेरा टैक्स या इसमें लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज कितना लगेगा, 15%, क्योंकि अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी, 2 करोड़ तक होगी, तो फिर लगता है सरचार्ज 15% किसका, एक्सेस इनकम का या टैक्स का, टैक्स का लगेगा। तो जितना भी आपका टैक्स निकल के आ गया, उस टैक्स का 15%, देखो मैंने यहां पे निकाल दिया। अब अगर मैं इसका 15% निकालूंगा तो आपका आंसर आएगा 4,28,250 रुपए, ये सरचार्ज आ गया, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब ये टैक्स हो गया प्लस में सरचार्ज हो गया, इन दोनों का जो सम टोटल आ गया ना वो निकल के आ गया 32,83,250 रुपए, ये मेरा निकल के आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब यहां पे बैठ के ना, बस यहां पर बैठकर अभी रुक जाओ, आपको मैंने कल भी जब स्टेप्स लिखवाए थे मैंने कहा था कि टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लो और यहां पर बैठकर रुक जाओ। अब यहां बैठ के ना इमेजिन करो कि अगर इस पर्सन की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता। एक बच्चा बोल पड़ा सर कि कंपैरिजन हम 50 लाख से नहीं करेंगे क्योंकि सरचार्ज तो 50 लाख के बाद आया है, नालायक मैंने कल भी आपको समझाया था कि जहां से सरचार्ज का रेट चेंज होगा ना कंपैरिजन वहां से होगा। अब अगर 1,01,50,000 है तो रेट चेंज कहां पर हुआ, 1 करोड़ के बाद ना, कंपैरिजन किससे होगा, 1 करोड़ से होगा। अब अगर इनकम मेरी 1 करोड़ रुपए है तो टैक्स कितना आएगा, 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 90 लाख, उसका 30%, 27 लाख,
और 10 लाख पर 1,10,000 प्लस में 27 लाख, 28,10,000 रुपये ये टैक्स निकल के आ गया। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, मैं इतनी भली बातें जानता हूं आपको, बहुत सारे नायक बच्चन पता क्या क्या होगा, 28,12,500 मुझसे पूछ लो, सर आपने 28,12,500 किया होगा, ये बिना बात के हंसना बंद कर दो, ये मत सोचो कि मुझे कैसे पता है, मुझे पता है क्योंकि आप मेरे ही नालायक बच्चे हो, और मुझे पता है बच्चों ने रट लिया था कि सर यहां पर हमेशा 28,12,500 लिखते हैं, सर वो 28,12,500 तब आएगा अगर एज आपकी लेस देन 60 होगी, पर अगर एज आपकी 60 साल है यहां पर कितना 28,10,000। अच्छा क्या यहां पर सरचार्ज लगेगा? अब जैसे ही मैंने यहां पर सरचार्ज लगाया ना, कई बच्चे कह रहे ओ तेरी का सर यही गलती हो गई, आंसर बिल्कुल सही चल रहा था, हमने यहां सरचार्ज नहीं लगाया। और मैंने कल भी कहा था कि जब भी यहां पर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी सरचार्ज यहां पर भी लगेगा। अब अगर इनकम 1 करोड़ रुपए है तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक तो कितना सरचार्ज है, 10% ना, तो लगाना पड़ेगा ना 10% सरचार्ज। तो देखो 281 आ गया, 30,91,000 ये हमारा टैक्स आ गया। अब देखो इस टैक्स और इस टैक्स में कितना फर्क आ रहा है जी, इस टैक्स में फर्क आ रहा है 1,92,250 रुपए, मतलब इतने से मेरा टैक्स बढ़ा है, इतने से मेरा टैक्स बढ़ा है, क्योंकि अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स आता इतना, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1,50,000 रुपए है टैक्स आ रहा इतना, तो मुझे अपनी जेब से एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है 1,92,250 रुपए, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब सोच के बोला इतना तो मेरा टैक्स बढ़ गया, नहीं यार ये बात समझ, इतना मेरा टैक्स बढ़ गया, इनकम कितनी बढ़ाई मैंने सिर्फ 1.5 लाख से, तो भैया अगर मेरा टैक्स इतने से बढ़ा, इनकम मेरी 1.5 लाख से बढ़ी, तो साफ नजर आ रहा है कि मेरा टैक्स ज्यादा है, इनकम मेरी कम है। और आपको मैंने कल भी कहा था कि अगर टैक्स ज्यादा होगा इनकम कम होगी तो बोल दो फटाफट से MR नहीं मिलेगा, सर MR नहीं मिलेगा या MR मिलेगा, MR मिलेगा। आपको मैंने कल भी कहा था कि जहां हार्डशिप होगी वहां MR मिलेगा, हार्डशिप मीन्स क्या होता है कि अगर टैक्स मेरा इनकम से ऊपर होगा ना फिर मुझे MR मिलेगा, तो सिंपल सी बात है यहां पर टैक्स मेरा ज्यादा है इनकम मेरी कम है उस केस में MR मिलेगा, और MR कितना मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा है इतना। अब ये जो MR आ रहा है इसको मैंने कहा था जितना टैक्स आपका निकल के आ रहा है नॉर्मल उसमें से माइनस कर दो, अब नॉर्मल टैक्स मेरा ये आ रहा था, इसमें से अगर मैं MR माइनस करूंगा उसके बाद फिर मेरा टैक्स आएगा इतना, और इस टैक्स में फिर मैं 4% सेस ऐड करूंगा ना, फिर आपका फाइनल आंसर इतना निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और बिलीव मी अगर किसी बच्चे ने घर जाकर 15 मिनट भी उस MR वाले डायग्राम को दे दिए होंगे ना जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, वो बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। बट अगर आप दोबारा से रटने वाली कोशिश कर रहे हो, आप समझने वाली कोशिश नहीं कर रहे, आप पागलपंती कर रहे हो, पागलपंती का मतलब पता है क्या होता है कि बिना कुछ पढ़े डायरेक्टली क्वेश्चन करना, और अगर एक बार नहीं निकला तो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना क्योंकि सर तो है ही, तो सिंपल से पता है जो बच्चे ये काम करते हैं ना कि एक बार करा नहीं निकला सर तो है ही है, सर तो है ही है, सर कहाँ जाएंगे, मैं तो आपके आपके लिए यहाँ पर आपके सेवा में हमेशा हाजिर हो जाता हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम यह कि अगर आपने दोबारा से खुद एफर्ट्स नहीं किया तो एग्जाम में आप कैसे क्रैक करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम लेवल के क्वेश्चन बनेंगे और फिर वहां पर बताने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको यहां प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि जब भी क्वेश्चन सरचार्ज वाले बने टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं नॉर्मल टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें सरचार्ज ऐड करोगे, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज आएगा, फिर यहां पे कंपैरिजन करोगे इससे, फिर निकालोगे अगर कोई टैक्स और सरचार्ज है यहां टैक्स निकालो, इन दोनों में कंपैरिजन करो, अब चेक करो टैक्स कितना आ रहा है, बोला टैक्स कितना बढ़ रहा है, फिर इनकम कितनी बढ़ रही है वो भी निकाल लो। अब अगर टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है इनकम कम बढ़ रही है तो जितने से ज्यादा टैक्स बढ़ेगा उतने का मिल जाएगा MR, उस MR को इसमें से माइनस कर दो, उसके बाद जो यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा इसमें 4% सेस ऐड कर दो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा ना ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आता है, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जिन जिन बच्चों का आंसर सही था उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और जिनका सही नहीं था उनको भी बहुत सारा प्यार, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ प्लीज चेक करना आपसे गलती हुई कहाँ, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, पक्का पक्का यस सर। अब बच्चा कह रहा है सर अगला क्वेश्चन दिखाओ, अगला क्वेश्चन क्या था, अब अगले 3 क्वेश्चन में ना यहां पर मैंने बोला था NR, अब जैसे ही मैंने NR बोला ना तो मेरे ख्याल से समझने वाला बच्चा समझ गया होगा कि चाहे एज मैं कितनी भी दूं हर केस में लिमिट आपकी 2.5 लाख वाली लगेगी। इट मीन्स अगर मैंने 82 बोला है तो आपने अगर एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख वाली यूज की है ना आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, क्योंकि 5 लाख रुपए की लिमिट मैंने पहले भी कहा था ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। इट मीन्स अगर मैं NR की बात करूंगा चाहे बोलूं 82 चाहे बोलूं 62 चाहे मैं 60 से कम बोलूं, इन तीनों ही केस में जो मुझे क्वेश्चन सोल्व करने होंगे ना वो 2.5 लाख के अकॉर्डिंग करने होंगे, 3 लाख और 5 लाख मेरे किसी काम के नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने 3 लाख यूज किया है, जिन जिन बच्चों ने 5 लाख यूज किया है वो पहले ही समझ रहे उनका आंसर गलत है, क्योंकि 3 लाख और 5 लाख यहां पर यूज नहीं करना। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने किया बट जो भी किया वो गलत किया है,
अब एक बार चेक करना, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहा हूँ जी। अब अगर इनकम 52 लाख रुपए है, उस केस में क्या होगा, देखो आपके सामने है। अब एक बात मैंने सोच के बोला जी, अगर इनकम 52 लाख है तो पहले बताओ 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 42 लाख रुपए। तो उस 42 लाख का पहले निकाल दिया 30%, ये आ गया 12 लाख 60 हजार। फिर यहाँ पे रह गया 10 लाख, और 10 लाख पर आएगा 1 लाख 12 हजार 500। एक बच्चा बोल पड़ा, सर आपका मतलब दिमाग तो सही है सुबह सुबह। मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहता सर एज 82 है ना, और अगर एज 82 है तो 5 लाख तो एग्जम्प्ट है, और बैलेंस 5 लाख पर आएगा 20%। नालायक मैंने अभी आपको समझाया कि 82 यहाँ पर चेक नहीं करना, एनआर वाले केस में हर केस में 2.5 लाख की लिमिट मिलती है। तो अगर एनआर वाले हर केस में 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी, तो जो अगर इनकम 10 लाख होगी, उस पर टैक्स कितना आएगा, 1 लाख 12 हजार 500। तो इसमें 1 लाख 12 हजार 500 ऐड कर दूंगा, तो टैक्स मेरा आएगा 13,72,500, ये मेरा टैक्स निकल के आएगा। देखो सर मैंने भी होमवर्क किया है, आपको क्या लगता है मैंने पहले से किया होगा ना? मैंने कल ही तो आपको क्वेश्चन दिए, और ये मैंने कम से कम आधा घंटा लगा के ये सारी प्रेजेंटेशन की है आपके लिए। अब आप खुद समझदार हो कि भैया मेरे पास आप ज्यादा टाइम तो है नहीं सर, ठीक है ना? मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास तो घर के भी काम होते हैं, बुक्स के भी काम होते हैं, दुनिया जहान की वीडियोस मुझे बनानी पड़ती है, उसके बावजूद भी मैं सारे काम अपना घर से होमवर्क करके आता हूँ। रीजन बीइंग क्या है, अगर आपके अंदर पैशन होगा आप कुछ भी कर सकते हो। अब सोच के बोला मैंने आधा घंटा निकाला, अब अगर आधा घंटा मैं ना निकालता ना, फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे करने पड़ते, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता। उससे पहले क्या, देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की हुई ना तो अच्छी लग रही है, की हुई मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर यही होमवर्क आपने घर से किया होता ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता। अब जिन बच्चों ने किया वो टेंशन मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको समझा रहा हूँ कि नालायक को ये टाइम बार बार नहीं आएगा, पैसे वेस्ट मत करो अपने घर वालों के, पैसा फ्री का नहीं आता आपका। तो सिंपल सी बात है, पैसा फ्री का नहीं आता आपको, मेरे बात चाहे बुरी लगे, मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, जिन बच्चों ने मेरी ऑनलाइन क्लास ली है, मेरे पैसे वेस्ट मत करना, मेरे पैसे का मतलब पेरेंट्स के पैसे वेस्ट मत करना। सिंपल सी बात है, आपके 10-10 हजार रुपये 8-8 हजार रुपये फ्री के नहीं आ रहे सर। हमने भी जब कोचिंग ली, हमने उनको पे ऑफ किया, पे ऑफ कैसे किया, मेरे अंदर जुनून था कि मुझे फर्स्ट टाइम के अंदर सीए निकालनी है। तो सिंपल सी बात ये आ रही है कि भैया अगर आप पैसा बार बार वेस्ट करोगे, फिजूल के टाइम पे वेस्ट करोगे, आपको नहीं पता वो लाइफ में कभी पे ऑफ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि जितना मुझे होमवर्क मिलेगा मुझे करना है, क्योंकि मैं घर पे हूं, मुझे अपना टाइम यूज करना है। और जो प्रॉब्लम बाहर चल रही है उस पर ज्यादा माइंड मत लगाओ, सिर्फ एक सोल्यूशन क्या है, घर पे बैठना। घर पे बैठ चुके हैं अब तो काम कर लो सर। ना हमारे पास कोई इलाज है अभी, ना डॉक्टर के पास है, बस एक काम कर सकते हैं हम, अपना सेव कर सकते हैं घर पे बैठकर। तो क्यों ना हम घर पे बैठ के अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, सारा सारा दिन न्यूज देखने से, सारा सारा दिन टिकटॉक पे वीडियो बनाने से नहीं एग्जाम पास होते। ये मेरे से आज लिखवा लो, कल लिखवा लो, आपको मेरी बातें पागल लगती होंगी, बट पागल हूं सिर्फ आपके लिए हूं। तो सिंपल सी बात ये निकल क्या रही, अगर ये आपने होमवर्क किया होता ना, मुझे बहुत अच्छा लगता आज। बट कोई बात नहीं, मुझे तो करवाना ही था, मैंने कल भी कहा था कि मुझे सारा काम करवाना है सर, मुझे ये नहीं देखना कि किस बच्चे ने किया है, मुझे ये देखना है कि मुझे अपना काम कैसे करना है, बात खत्म बस। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पर आ गया 13,72,500। अच्छा अब इनकम 52 लाख रुपए है, 50 लाख से ऊपर वाले इनकम पर सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। तो उसका 10% निकालूंगा तो इतना आ गया जी। अब इन दोनों का सम टोटल आ गया 15,09,750 रुपए, ये निकल के आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यस, अब बच्चा कहता है सर अब हम बताएंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे 50 लाख से। 50 लाख से क्यों करेंगे, क्योंकि 50 लाख के बाद सरचार्ज आए। तो अगर मेरी इनकम 50 लाख होती ना, टैक्स पता कितना था, देखो 10 लाख से कितनी ज्यादा, 40 लाख, 40 लाख का 30% 12 लाख रुपए, 1,12,500, 13,12,500, ये टैक्स निकल के आता। इसमें कोई भी सरचार्ज लगता नहीं, क्योंकि 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, तो ये टैक्स आ गया। अब इस टैक्स और इस टैक्स में फर्क कितना आ रहा है, फर्क आ रहा है 1,97,250 रुपए का, ये मेरा टैक्स बढ़ गया। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इतने से मेरा टैक्स बढ़ा, बट मैंने इनकम कितने से बढ़ाई है, 2 लाख से। तो अपने आप बोल देना टैक्स ज्यादा है या इनकम ज्यादा है, सर यहां पर इनकम ज्यादा है। और अगर जहां पर इनकम ज्यादा होगी ना, इनकम ज्यादा होगी टैक्स कम होगा, उस केस में हार्डशिप होगी नहीं, तो एमआर किस बात का। अब कई नालायक बच्चों ने पता क्या किया होगा, मेरे से पूछ लो सर आप हंस क्यों रहे हो, मुझसे पूछ लो ना आपने क्या किया होगा, आपने किया ये होगा 2 लाख माइनस में ये जितना ये डिफरेंस आ रहा है उतने को आपने एमआर निकाल दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। मुझे पता है कई नालायक बच्चे यही काम करते हैं, बस डिफरेंस निकालते रहते हैं, और मैंने उन्हें कई बार समझाया है कि आपको डिफरेंस नहीं निकालना, डिफरेंस तब निकालना है अगर टैक्स ज्यादा है इनकम कम है। सर एक बात मैंने खुद सोच के बताओ या थोड़ा बहुत आप खुद भी इमेजिन किया करो, अगर मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, मान लो आपका टैक्स ज्यादा हो गया, आपने इनकम कम कमाई, तभी तो आपको दर्द होगा ना यहाँ पे कि भैया जब मैंने इनकम ही इतनी सी कमाई है, इससे ज्यादा मैं टैक्स क्यों पे करूं।
और अगर मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा तो मेरे ऊपर हार्डशिप हो रही है, तो गवर्नमेंट ने उसी हार्डशिप को दूर करने के लिए तभी तो बनाया एमआर। बट अगर मेरी इनकम ज्यादा है, अगर मेरी इनकम ज्यादा मैंने कमाई है और टैक्स मेरा कम बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा हार्डशिप कहाँ है भाई। इट मीन्स हार्डशिप सिर्फ तब होगी अगर टैक्स मेरा ज्यादा होगा। मैंने कभी ये नहीं बोला जहां सरचार्ज है वहां हार्डशिप है, मैंने कभी ये नहीं बोला दोनों का डिफरेंस लेना। मैंने ये बोला है कि अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा उस केस में एमआर मिलेगा। अब अगर आप यही लाइन मेरी आप समझ नहीं पा रहे, हर क्वेश्चन में बार बार ये गलती कर रहे हो, तो बताओ एग्जाम में आप कैसे ही करोगे। तो ये बहुत बड़ी लाइन में बोल रहा हूं, जो उस बच्चे को मजाक लग रही है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है कि अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा फिर एमआर मिलेगा, नहीं तो एमआर नहीं मिलेगा। तो मेरी बात एक लाइफ में ध्यान रखना कि जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर मिलेगा, मैंने कभी नहीं कहा। दोनों का डिफरेंस आएगा उतना एमआर मिलेगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा है जहां सरचार्ज लगने की वजह से अगर टैक्स मेरा इनकम से भी ज्यादा बढ़ जाएगा उस केस में एमआर मिलेगा, और किसी भी केस में एमआर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको एमआर नहीं मिलेगा जी। अब अगर एमआर नहीं मिलेगा फिर जो भी आपका टैक्स आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, इसी में 4% आप सेस ऐड कर दोगे। तो अगर मैं 4% सेस ऐड करूं तो आंसर आएगा 1570140, दैट इज करेक्ट आंसर। अब जिन जिन बच्चों का आंसर था रही, अब जिन जिन बच्चों का आंसर था दैट इज करेक्ट आंसर, बट अगर आपका ये आंसर नहीं था तो आपने गलती कहीं ना कहीं की है। प्लीज चेक करो कि आपने गलती की कहां पर है। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर एक बार फोर देख लो जी। एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है? एग्जाम्पल नंबर फोर में भी सेम क्या है, अनार है, एज 58 है, एज मेरे किसी काम की नहीं है, इनकम है 2 करोड़ 1 लाख रुपए। इनकम आपकी है 2 करोड़ 1 लाख रुपए। अब अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है ना, पहले तो बताओ 2 करोड़ 1 लाख रुपए है तो 2 करोड़ से ऊपर जाते ही सरचार्ज कितना हो जाएगा, 25%। ये हम सब जानते हैं, आओ जी एक बार निकालते हैं। अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है तो क्या, अब अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ 91 लाख रुपए, 10 लाख से ज्यादा है, उसका लगा दो 30%, ठीक है जी। फिर प्लस में 1,12,500, क्योंकि 10 लाख पर 1,12,500 आएगा, टैक्स आ गया 58,42,500, ये टैक्स निकल के आ गया। अब जिन जिन बच्चों का ये टैक्स ही सही नहीं निकल रहा ना, उन्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है थी, क्योंकि अगर आप टैक्स ही सही निकाल नहीं पा रहे इट मीन्स आगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पहले टैक्स निकालना सीखो, टैक्स कैसे निकलता है और मैं ऑलरेडी कल की क्लास में समझा चुका हूं, बहुत ध्यान से वीडियो दोबारा सुन लो, टैक्स निकलता कैसे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर, जितनी इनकम दी है 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 30% लगा रहा हूं, और बाकी 10 लाख तक आपको निकालना आता ही है, तो 10 लाख तक फिक्स है कि 1,12,500 आएगा, तो उस टैक्स में 1,12,500 ऐड किया, ये टैक्स निकल के आ गया। सरचार्ज यहाँ पे लगेगा 25%। अब अगर मैं इसका 25% निकालूंगा तो सरचार्ज आ गया 14,60,625 रुपये, ये मेरा सरचार्ज आ गया। अब अगर मैं टैक्स प्लस सरचार्ज जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 73,03,125, ये निकल के आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। अब यहीं बैठे बैठे कंपेयर करो, अगर इस पर्सन की इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता। अब बच्चा कह रहा है आपने कंपेरिजन 50 लाख से क्यों नहीं किया। एक बच्चा बोल पड़ा, भाई तू तो पागल है, सर को बोल कंपैरिजन 1 करोड़ से करेंगे। एक बच्चा बोल पड़ा, नालायक तुम दोनों ही पागल हो, सर ने समझाया था कि जहां सरचार्ज का रेट चेंज होगा कंपैरिजन वहां से होगा, इसलिए सर ने 2 करोड़ से किए। यस, ये बात सही है, और आपको मैंने पहले भी कहा था, एक बात बताना, 2 करोड़ के बाद रेट चेंज हो गया ना, क्योंकि 2 करोड़ तक 15% था। अब जहां रेट चेंज हुआ कंपैरिजन हमेशा वहीं से होगा। तो अगर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए है उस पर टैक्स आएगा 58,12,500, सरचार्ज यहां पर भी लगेगा 15%। अगर मैं इसका 15% निकालूंगा तो एक बार निकाल लेता हूं दोबारा से, अगर मैं इसका 15% निकालूं तो यार है 871,875, ठीक है जी। इन दोनों का सम टोटल आ रहा है 66,84,375 आ गया। अब इस टैक्स और इस टैक्स में फर्क आ रहा है इतना, ये मेरा टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया जी। अब ये मेरा इंक्रीमेंट है टैक्स का, इनकम इंक्रीमेंट मेरा कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो इतने का मुझे मिल गया एमआर, क्योंकि यहां पर टैक्स ज्यादा है इनकम कम है। और आपको मैं फर्स्ट डे से बात बोल रहा हूं, मतलब जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कि जहां टैक्स ज्यादा होगा इनकम कम होगी उस केस में एमआर मिलेगा। तो इस एमआर को आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि हार्डशिप हो गई ना, आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो 73,03,125 माइनस में 518,750, 518,750 ये आ गया 67,84,375।
प्लस में 4% सेस, तो आंसर आ गया 7055750, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ये करेक्ट आंसर है। अब जिन जिन बच्चों का आंसर सही है बहुत बढ़िया बात है, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है सर अब मैं एक ना फ्लो बन चुका है और मैं हर क्वेश्चन में सेम बात कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में सेम बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उससे अगला भी बोलोगे ना तो अगले में भी सेम ही बात करूंगा, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कंपेरिजन करना किससे है, टैक्स का इंक्रीमेंट कैसे निकालना होता है, इनकम इंक्रीमेंट कैसे निकलता है, एमआर वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, इनकम 1,06,00,000 रुपए है और ये भी एनआर वाला केस है, तो भैया एनआर वाला केस है तो फिर एग्जम्पशन लिमिट तो वो 2,50,000 मिलेगी। अब अगर इनकम 1,06,00,000 रुपए है, 10,00,000 से कितनी ज्यादा है, 96,00,000, उसका 30% आ गया 28,80,000, ठीक है, और प्लस में 1,12,500, तो आ गया 29,92,500, ये मेरा टैक्स आ गया सर, बिल्कुल हमारा भी सेम आया है। इसका 15% हम लगाएंगे सरचार्ज, 4,48,875 पे ये आ रहा है, मेरा भी सर बिल्कुल ये आ रहा है। अब इन दोनों का अगर मैं सम टोटल कर दूंगा ना तो ये मेरा टैक्स निकल के आ रहा है जी 34,41,375 पे, ये मेरा टैक्स निकल के आ गया सर बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हमें करना क्या, सर अब हम बताएं कंपैरिजन करेंगे 1,00,00,000 से, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया बहुत ज्यादा। कंपैरिजन किया 1,00,00,000 से, टैक्स आ गया 28,12,500 और यहाँ पर 10% सरचार्ज लग गया, इतना टैक्स आ गया। अब इस टैक्स और इस टैक्स में फर्क आ गया 3,47,625, जबकि इनकम मैंने बढ़ाई है 6,00,000 से। ओ माई गॉड सर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो और एमआर दे दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो और एमआर दे दो। कई नालायक बच्चे ये सोच रहे होंगे डिफरेंस का एमआर मिलेगा, क्या डिफरेंस का एमआर मिलेगा, या एमआर मिलेगा ही नहीं, एमआर मिलेगा ही नहीं। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि इनकम ज्यादा है, और अगर इनकम ज्यादा तो एमआर क्यों मिलेगा, तो भैया फिर जो टैक्स आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें 4% सेस ऐड कर दो, देन आपका फाइनल आंसर जो होगा वो आपके सामने होगा, बताओ क्वेश्चंस में क्या है। और बच्चा बोलता है पेपर बाहर से आता है, सर पेपर हमें समझ में ही नहीं आता, सर पेपर हमने कभी देखा ही नहीं होता, देखा कैसे होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, घर जाके बस्ता रख दिया, बस्ता उठा लिया, क्लास नंबर 3 देखी, नोट्स बनाए, नोट्स बंद कर दिए, नो क्लास नंबर 4 देखी, नोट्स बनाए, बंद करते, कभी रिवीजन ही नहीं किया आपने। अब जो बच्चा रिवीजन ही नहीं कर रहा तो भैया पैसे वेस्ट करने के अलावा बस और कोई तरीका है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है। घर जाकर जब बोलता हूं ना कि 15 मिनट लगा दिया करो, मैं अपने लिए नहीं बोलता सर, मैंने आधा घंटा लगाया यार ये प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं क्या करता कैलकुलेटर में आंसर लिखता, सिर्फ ये आंसर बोल देता कि ये आंसर है, एक बार आंसर निकाल लेना। बट मुझे पता नहीं कि आपको आसान कैसे बनाया जाएगा, मुझे पूरी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, ताकि अगर कोई बच्चा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना पूरी फैमिली कहां कहां से है सर, मेरे बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं से पता नहीं कहां कहां से उनके पास मेरे पास मैसेज आते हैं, हम यहां रायपुर से हैं, उत्तराखंड से, पता नहीं कहां कहां से है। तो हर बच्चे का मुझे लेके चलना है, क्योंकि मेरे लिए सिंगल सिंगल बच्चा मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए जो जिनका रैंक हो, जिनका रैंक है मतलब फाउंडेशन में, उनसे ज्यादा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिनका रैंक नहीं है। क्योंकि सर रैंक होल्डर बच्चा ना एक बार समझ के ना बात समझ जाता है, वो मेरी वीडियो ना फास्ट करके भी देख लेता होगा, यार अब सर थोड़ा बोल रहे हैं तो फास्ट करके देख लेता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन सारे सही हैं, बट मुझे उनका नहीं समझना, मुझे सबको लेकर चलना है। सिंगल सिंगल बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा मेरे पढ़ाने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने घर रखकर आज भी मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, अब देखता हूं आप नेक्स्ट क्लास में क्या करके आते हो, और जो मेरा गुस्सा है ये आपने ठंडा करना है, और ठंडा कैसे करना है, आपने नेक्स्ट क्लास में आते ही होमवर्क मुझे खुद बोलना है कि सर होमवर्क चेक करो, हम सारे क्वेश्चन करके आए हैं, उस दिन मैं दिल खुश हो जाएगा मेरा, ठीक है नी। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, इनकम 5,01,00,000 रुपए है, और फिर तो अगर इनकम 5,01,00,000 रुपए है, पहले तो एज चेक कर लेते हैं, एज इनकम 5,01,00,000 रुपए, ओ माई गॉड रेजिडेंट है, एज 81 है। अब अगर एज 81 है तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, 5,00,000 वाली, ये बात ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर एज मैं चेक करूंगा रेजिडेंट है, ऊपर वाले केस में एज मैंने चेक क्यों नहीं की, नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर एज मुझे चेक करनी पड़ेगी, एग्जम्पशन लिमिट आपकी 5,00,000 मिलेगी, बिल्कुल सही बात है सर। आज इनकम आपकी 5,01,00,000 रुपए है, 10,00,000 से कितनी ज्यादा है सर, 10,00,000 से ज्यादा है 4,91,00,000 रुपए, 10,00,000 से ज्यादा है, उसका 30%, ठीक है, और प्लस में 1,00,000, यहाँ 1,12,500 नहीं, 1,10,000 भी नहीं, पूरा 1,00,000, क्यों, क्योंकि अगर इनकम 10,00,000 है, 5 तो एग्जम्प्ट ही है, और बैलेंस 5 का 20%, तो 1,00,000 आएगा, तो इसमें 1,00,000 ऐड करूंगा, तो 1,48,30,000 पे टैक्स आ रहा है, बिल्कुल सही निकाला मैंने, ठीक है नी। अब इसमें सरचार्ज लगेगा 37%, क्योंकि इनकम 5,00,000 से ऊपर अब कितना हो गया, 37% हो गया ना, इसका 37% निकालूंगा, तो ये आ गया 5,48,3100 रुपये, इन दोनों का सम टोटल आ गया जी 2,02,00,000
3,17,100 रुपए इतना निकल के आ गया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब कंपैरिजन किससे करूं, 5 करोड़ से, क्योंकि रेट वहां पर चेंज हुआ है। 5 करोड़ पर टैक्स आएगा 1,48,00,000 रुपए, इतना टैक्स आ रहा है। फिर यहाँ पे सरचार्ज लगेगा 25%, तो अगर मैं इसका 25 निकालूंगा तो इतना आएगा, टोटल आ गया इतना 1,85,00,000। अब इन दोनों के टैक्स में फर्क कितना आ रहा है जी, 18,17,100 रुपए का फर्क आ रहा है। इनकम बढ़ाइए सिर्फ 1 लाख से, तो 17,17,100 रुपए आपको मिल जाएगा एमआर। इस एमआर को आप यहां से माइनस करोगे, फिर जो आपका टैक्स आएगा इसमें 4% से ऐड करोगे, देन आपका ये फाइनल आंसर आएगा। ये जिन जिन बच्चों का है, दैट इज परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है, मैं जो बोलता हूं सब कुछ समझ में आता है, नो डाउट। अभी आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही होगी, और फास्ट भी है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, कोई नया काम हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो प्लीज 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 आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने। एग्जाम्पल 7 तो गिरा हुआ था जी। अब रेजिडेंट है, एज 56 है, इनकम 4,90,000 है, तो 2,50,000 से कितनी ज्यादा, 2,40,000। अब 2,40,000 का टैक्स कितना आएगा, 12,000 रुपए। और अगर 12,000 टैक्स है, रिबेट कितने की मिल जाएगी, पूरे 12,000 की, क्योंकि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल इनकम 5 लाख तक है। तो भैया 12 - 12 टैक्स आ गया नील, तो भैया सेस का तो मतलब ही नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, बताओ इस क्वेश्चन में था क्या। तो फाइनली अब जाके 7 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अप्रोक्सीमेट मुझे 20-25 मिनट हो चुके हैं एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है जी। तो प्लीज 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 इन एग्जाम्पल में कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो, किसी भी तरह का आपके मन में डाउट आ रहा हो, प्लीज आपने मुझसे पूछना है। आपने पूछना कैसे है, आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है, सर ये एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, ताकि नेक्स्ट अगले आने वाली क्लास के अंदर मैं एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करूं कि आपका डाउट है। बट बिना बात के डाउट मत पूछना, मतलब आपने एक बार दोबारा पीछे करके वीडियो देखनी है, फिर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अब समझ में आ ही नहीं रहा, फिर जाके मुझसे पूछना है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार एक बार समझ में नहीं आता, सेकंड बार समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो जी, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का। अब इंडिविजुअल वाले हमारे दो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक तो हमारा हो चुका है सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट, एक हमारा हो चुका है एमआर वाला। रिबेट वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, बट कॉन्सेप्ट अभी हमें समझ में, आगे बढ़ सकता हूं, पक्का पक्का, यस सर। लो जी, अब देखना ध्यान से, अब एक कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट क्लास में था, दैट इज रिबेट फ्रॉम टैक्स। अब एक बात मुझे सोच के बताना यार, एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था सरचार्ज का, और एक कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिबेट का। आप में इसके बच्चा मुझे बताएगा इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, छूट, डिस्काउंट या एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज है, तो एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट किस पर लेगी, गरीबों पर या अमीरों पर, अमीरों पर। और गवर्नमेंट अमीर किसे मानती है, वो सारी बातें हम देख चुके हैं। इनमें गवर्नमेंट कहते हैं भाई जिसकी इनकम 50 लाख तक होगी हमारी नजर में वो अमीर नहीं है, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, थोड़ा सा अमीर है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, उससे ज्यादा अमीर है, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, थोड़ा और अमीर है, और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, फिर वो मुकेश अंबानी है, फिर वो बड़े रतन टाटा है, फिर वो सबसे ही अमीर लोग हैं, उन केस में सरचार्ज लगेगा 37%। अब एक बच्चा बोलता सर, मैंने कहा सर इंडिया में हर लोग तो अमीर नहीं है ना, सर आज इंडिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी इनकम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए एक साल की होती है। अब गवर्नमेंट ने बोला, उसके लिए तो हमने बोला ही है कि अगर तुम्हारी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख तक है तो मैं टैक्स पे ही नहीं करना। बट हाँ, कुछ घर हमने ऐसे भी देखे, गवर्नमेंट अब कहना चाह रही है कि कुछ घर हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी इनकम पूरे साल में 5 लाख रुपए है, बट उस 5 लाख में सिर्फ जेब खर्ची चलती है, सिर्फ घर का राशन आता है, कुछ बच्चों के ड्रीम्स है छोटे मोटे, वो खाने पीने का सामान वो उनके पूरे होते हैं, और पैसा तुम्हारे पास बचता ही नहीं। और अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख है और तुम्हें यहां पर टैक्स 12,500 रुपए देना पड़ जाए, तुम्हारे पर हार्डशिप हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मिडिल क्लास फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे घर वाले सारे बच्चे हैं, उनके तुम्हारे सारा पालन पोषण करना है, तुम 5 लाख में कैसे कर पाओगे। इसलिए हम इन लोगों के लिए एक डिस्काउंट निकालने जा रहे हैं, एक छूट निकालने जा रहे हैं, बट ये छूट सबको नहीं मिलेगी। इट मीन्स इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, फिर उसको ये डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और वो 3 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल हो, दूसरी कंडीशन वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट हो, और तीसरी कंडीशन उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक हो, तभी रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी।
एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, अगर कोई इंडिविजुअल है और इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो कितनी छूट मिलेगी? जितना उसका टैक्स आएगा ना, सारा हम माफ कर देंगे। आप चेक कर लो, 5 लाख तक टैक्स, जितना भी टैक्स आएगा हम सारा ही माफ कर देंगे, और मैक्सिमम 12,500 रुपये। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट के बाद भूल जाओ। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख रुपए है तो तुम्हारा टैक्स 12,500 बनता है, 12,500 ही माइनस कर दो, हमें तुमसे कोई टैक्स नहीं चाहिए। तो जिस ईयर के अंदर ये बजट आया था ना, हर न्यूज के अंदर, क्योंकि बच्चों को पता होता नहीं है, बस न्यूज में खबर आई इनकम 5 लाख एग्जम्प्ट है, बच्चे ने वहां स्क्रीनशॉट लिया, अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया और सारी पूरी मार्केट में खबर फैल गई कि स्लैब डेट 5 लाख रुपए हो गया। और मैंने उस टाइम वीडियो बना के डाली भी थी कि जो बच्चे गलत फहमी के अंदर है कि स्लैब डेट 5 लाख रुपए हो गया, स्लैब डेट 5 लाख रुपए नहीं हुआ। इट मीन स्लैब डेट आज भी 2.5 लाख रुपए है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर इनकम 5 लाख तक है 12,500 की रिबेट दे देंगे। सर, एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख होना और 12,500 की रिबेट मिलना, ये बहुत बड़ा फर्क है। आपके बोलने की गेम, अगर सही बोलोगे सही लिखोगे, गलत बोलोगे गलत ही लिखोगे। क्योंकि एक बच्चा आया मेरे सामने, दो बच्चे मेरे सामने हैं, एक बच्चा कहता है सर फर्क क्या है। इट मीन अगर हमने बोला कि इनकम 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है और एक बच्चा कह रहा है कि 12,500 की रिबेट के बाद टैक्स नहीं लगेगा, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब अगर आपने बोला ना, जो बच्चा बोल रहा है कि 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, तो अगर इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख 10 हजार रुपए होगी तो वो टैक्सेबल 10 हजार रुपए होगा, क्योंकि 5 लाख तो एग्जम्प्ट है। बट अगर किसी पर्सन ने बोला कि एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 5 लाख रुपए तक की इनकम होगी, 12,500 की रिबेट मिलेगी, बट अगर इनकम 5-10 होगी ना, तो टैक्स लाइबिलिटी हम 2.5 लाख से ही कैलकुलेट करेंगे। अब सोच के बोला, जो लोग कह रहे हैं 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है वो टैक्स लगा रहे हैं 10,000 पर सिर्फ, और जो कह रहे हैं 12,500 की रिबेट है तो 2.5 लाख से 5 लाख उसका 5% भी लगेगा, और 10,000 जो ऊपर इनकम है उसका भी टैक्स लगेगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के रही कि आज के बाद कभी लाइफ में आप ये नहीं बोलोगे कि स्लैब रेट 5 लाख रुपए हो गया। आप ये बोलोगे भैया रिबेट 5 लाख तक है, इट मीन जितना तुम्हारा टैक्स आएगा 5 लाख तक, उतने की तुम्हें रिबेट मिल जाएगी, फिर तुम्हारा टैक्स नील हो जाएगा। और अगर इनकम आपकी वही 3 लाख वाली है तो भी सिंपल सी बात, मतलब जो टैक्स आएगा ना, जो तुम्हारा टैक्स आएगा उतने की तुम्हें रिबेट मिल जाएगी। और अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया कि मैक्सिमम रिबेट कितने की मिलेगी, 12,500 की, इससे ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी, और अगर जितना टैक्स आ रहा है उतने की ही रिबेट मिलेगी, ऐसा मत बोल देना कि टैक्स आ रहा है 10,000, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में था क्या, अब जो मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में था क्या, यहां पर टैक्स कितना था 12,000 रुपये था, 12 की रिबेट मिल गई ना। अब ये मत बोलना गवर्नमेंट को लाओ 500 रुपये रिफंड लाओ, क्योंकि आपने कहा था 12,500 देंगे। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा 12,500 देंगे, गवर्नमेंट ने कहा 12,500 रुपये तक देंगे, मतलब रिबेट 12,500 तक की मिलेगी, 12,500 की ही मिलेगी, गवर्नमेंट ने कभी कहा ही नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहते कि 12,500 की ही रिबेट मिलेगी, तो अगर 12,000 रुपये टैक्स होता तो 500 रुपये गवर्नमेंट रिफंड देती, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट सिंपल से बात कहना चाह रही है विवेक, कि हम जो रिबेट देंगे वो 12,500 तक देंगे। तो अगर तेरा टैक्स 10,000 रुपये है तो रिबेट 10 की मिलेगी, अगर 11 है 11 की मिलेगी, 12,000 है 12 की मिलेगी, 12,500 है 12,500 की मिलेगी। उसके बाद तू वैसे ही 5 लाख के बाद चला जाएगा, और अगर 5 लाख के बाद जाएगा तो रिबेट तुझे मिलेगी नहीं। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर आपको रिबेट लेनी है, 3 कंडीशन चेक करनी है, इंडिविजुअल, रेजिडेंट और टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रिबेट देना, नहीं तो रिबेट मत देना। ठीक है, अब जाके फाइनली हमारे इंडिविजुअल के ना ये तीनों कॉन्सेप्ट अब खत्म हो जाते हैं। सरचार्ज हमारा खत्म हो गया, एमआर हमारा खत्म हो गया, रिबेट हमारा खत्म हो गया, ये तीनों कॉन्सेप्ट थे और ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे अब खत्म हो चुके हैं। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का? यस सर। लो जी, अब मैं चेक करता हूं, अब देखता हूं कि आपने क्या समझा है मेरी बातों से, जो आप डेली बेस पे क्लास मेरी देख रहे हो। अब तो यूट्यूब वाले बच्चे भी देख रहे हैं, टोटल 6 तक क्लास तो देखेंगे ना वो, चलो 6 क्लास के बाद तो ऑनलाइन क्लास जिन्होंने परचेस किया वो ही देख पाएंगे, बट 6 क्लास तक तो आप भी देखोगे, मेरी फैमिली के सारे बच्चे। तो मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, आज चेक करता हूं आपका माइंड कैसे काम करता है, मान जाऊंगा कि मेरी फैमिली मुझे सही ढंग सुनती है। मेरा पूरी फैमिली से बस एक क्वेश्चन है, कुछ ही घंटे रह गए आपके सीएस बनने में। बच्चा कह रहा हमें तो ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी, अब जो ये बीमारी फैल रही है, आप उसकी टेंशन मत लो ना यार, आप क्यों पालन नहीं करते, आपको घर में रहना है, सेफ रहना है, बात खत्म। ये मत देखो कि कितनी जिंदगी है, देखो जिंदगी का भरोसा किसी का भी नहीं होता। अगर ये बीमारी ना भी हो, लोग बिना बीमारी के भी मर जाते हैं। तो ना कभी अपने दिमाग में ना नेगेटिविटी मत लेके आया करो यार, पॉजिटिविटी लेके। अपना दिमाग इतना नेगेटिव जो आपने बना दिया ना, मुझे नेगेटिव दिमाग वाले बच्चे बहुत बेकार लगते हैं सर। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात बुरी लगेगी और मेरी बात बुरी लगती है बहुत सारे बच्चों को,
जिनका माइंड नेगेटिव होता है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो बच्चे, और बहुत बुरे लगते हैं वो लोग, और उससे भी गंदे वो लोग लगते हैं जो लोगों को नेगेटिव करते हैं। मतलब बिलीव में लोगों को नेगेटिव कर देते हैं यार, कि हाँ भाई सिंपल, जो मुझे पता है कि भैया अगर मुझे बोला कि मुझे घर रहना तो मुझे घर रहना ना, क्यों नेगेटिव कर रहे हो लोगों को? और क्यों नहीं हम कंडीशन फॉलो कर सकते यार? 21 दिन हम घर नहीं रह सकते क्या? 21 डेज, सिर्फ 21 डेज हम घर नहीं रह सकते? अगर हमें पूरी जिंदगी हमें चाहिए, अगर जिंदगी होगी तो मैंने पहले भी कहा था तभी ड्रीम्स पूरे होंगे, जो आपने इतने ख्वाब सजाए हैं, जो आप ये डिग्री हासिल करना चाह रहे हो, ये हासिल करने का फायदा सिर्फ तब होगा अगर हम जिंदा रहेंगे। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम कंडीशन ब्रेक कर देंगे, मैं तो बाहर घूमूंगा। घूम ले भाई, बाहर आके घूम ले। और अगर गलती से भी वो संक्रमित, मतलब जो बीमारी है, फैल गई, कितने हजार लोगों के अंदर फैलेगी आप सोच भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात, अगर 21 डेज घर रहने से इस बीमारी को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो हम अपने लिए, अपने देश के लिए क्या 21 डेज नहीं दे सकते? सर आप उनका सोचो, उनका सोचो जिनके घर में बीमारी चल रही है, उनसे पूछो, वो भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं कि यार पहले हमें पता होता, हम 21 दिन, हम भाई साहब 2 महीने घर रहने को तैयार है, बस ये बीमारी दूर हो जाए। तो प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये नेगेटिविटी मत फैलाओ और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास रहो। जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतना माइंड बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी आपके आसपास फैल जाती है, दोस्त आपके आधे नेगेटिव होते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं। और आजकल वैसे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, एक अलग ही सीन चल रहा है। आपको मैं इतने मैसेज दिखा दूंगा, सुबह उठता हूँ, जैसे मतलब फ्रेश होता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैसेज, भाई साहब मैसेज के अंदर बस यही मैसेज देखने को मिल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। सर एग्जाम कैंसिल होंगे नहीं होंगे? सर हमारी पढ़ाई तो घर में हो ही नहीं रही, बस यही करते रहो। अभी मार्च आपका चल रहा है, उसने 15 अप्रैल तक बोला है कि चलो कर्फ्यू है, मैं कह रहा हूँ 30 अप्रैल तक भी है। यार क्यों हम ये सोचे हमारे एग्जाम कैंसिल होंगे नहीं होंगे, क्यों हम सोचें? इट मीन्स हमें इस ये सोचने के लिए बिठाया गया क्या कि एग्जाम कैंसिल, या हमें पढ़ने के लिए बिठाया गया? मतलब सिंपल सी बात यह है सर, मैं आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हूं, आप हार्डवर्क करने को तैयार हूं, बच्चा कह रहा है लगे रहो, आपका क्या है? आपका तो काम है, आप डालते रहो वीडियो, हमें क्या दिक्कत है? इट मीन्स हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है जी, हमें किसी ने बोला था एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो वेट कर रहे हैं कब ICS नोटिफिकेशन निकालेगा, कब एग्जाम कैंसिल होंगे, उस दिन हम घर में दोबारा दिवाली मना लेंगे। बस यही करते रहना पूरी जिंदगी, करते रहना दिवालियां मनाते रहना एग्जाम कैंसिलेशन की। कभी आपने ये सोचा कि एग्जाम कैंसिल होने का फर्क क्या पड़ेगा? आप 6 महीने लेट CS बन जाओगे। बच्चा कहता जो बीमारी चल रही है पहले वो तो सही हो, यार वो सही हो जाएगी अगर हम सारे मिलके एक साथ पालन करेंगे, तो क्या वो बीमारी नहीं सही होगी? होगी सही, बट जितना टाइम हमें घर में मिला है, जितना टाइम हमें घर में मिला है, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है, उसमें पढ़ाई में ध्यान लगाना है, हमारी जो हॉबीज हैं उसको कंप्लीट करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप से बात करनी है। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, अब टाइम है आपके पास, अब देखता हूँ कि आप कितना अपने आप से बात करते हो। आपको मैंने कितनी बार क्लास में बोला, कितनी बार मैंने क्लास के अंदर बोला होगा कि डेली 10 मिनट रात को अपने आपको दिया करो, अपने आपसे क्वेश्चन पूछा करो कि मैंने आज दिन में क्या किया। सर अगर आप ऐसे ही उठते हो ना और ऐसे ही सो जाते हो, लाइफ में आने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। हजारों सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, याद उन्हीं को किया जाता है जो जिंदगी में कुछ काम करके जाते हैं। और वो काम कब होता है? अगर वो अपने आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें कि आज जब मैं दिन में उठा और आज मैं सोने जा रहा हूं, दिन के अंदर मैंने क्या काम किया है, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, कल मुझे कितना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे क्या काम है अभी एट प्रेजेंट, मेरे क्या काम है वो काम मुझे कंप्लीट करने हैं। और अगर आप बेकारों की तरह काम जिंदगी जी रहे हो, भाई हाँ वही सुबह उठा वही सो गया, टिकटॉक चल रही है, इंस्टा चल रही है, फेसबुक चल रहा है, मैंने कभी मना किया आपको टिकटॉक पे आओ या फेसबुक पे आओ? आओ ना 1-2 घंटे आओ, बट कम से कम जो टाइम आप वहां पर दे रहे हो उसे डबल टाइम पढ़ाई में भी तो दो। उसे डबल टाइम अगर आप यहां पे नहीं दोगे, आपके पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें हैं यार आपसे, आपको क्या लगता है वो सिर्फ बोल नहीं पाते? और बाहर वालों के अंदर फर्क क्या होता है, वो दो झटके के अंदर बोल देते हैं, और हम पेरेंट्स के दिल की बात समझ ही नहीं पा रहे। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो बेकार है फिर। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने का अभी मौका मिला है, भरपूर मौका मिला है, तो अभी भी टाइम आपके पास है, आपने अच्छे से काम कंप्लीट करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के पास रहना है, और जो मार्केट में अफवाहें उड़ती हैं उनसे दूर रहना है, आपको अपना माइंड यूज करना है। भगवान ने बहुत बढ़िया माइंड आपको दिया है, अपने माइंड पर विश्वास किया करो, दूसरों के माइंड में विश्वास करने वाले मत बनो। और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे दूसरों के माइंड में काम करते हैं, उसने ये कहा था, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है इस बार ये होगा, वो ये कह रहा है इस बार वो होगा, वाह
भगवान ने आपको अपना माइंड दिया ही नहीं है, ये माइंड जो भगवान ने दिया वो किस लिए दिया, इसको यूज कब करोगे? जितना इसको यूज करोगे सर उतना ही माइंड आपका अच्छे से काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, अपने माइंड थोड़ा सा अपने आप से बातचीत किया करो कि जो जिसकी बातों में आप आ रहे हो, जिसकी बातों में आप आ रहे हो, क्या आपको वैसा बनना है? तो सिंपल सी बात बस निकल के आती है कि आपको इतने सिंपल, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि घर में बैठे हो, सही ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, भगवान ने आपको टाइम दिया है, मौका दिया है, फैमिली के साथ रहने का, पढ़ने का, सब कुछ करने का मौका दिया है, आप उसको यूज करो, उसको वेस्ट मत करो। और प्लीज 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 ये मैसेज भेजना बंद कर दो कैंसलेशन के, मुझे मत भेजो और किसी टीचर को भेज दो, क्योंकि मैं तो आपको डेली ये रिप्लाई करूंगा कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे हमारा सोचना ये काम नहीं है, हमारा ये सोचना काम है कि जो टाइम हमें मिला है उसको हमें कैसे यूज करना है। आप अगर इस चीज पे ध्यान लगाने के बजाय इस चीज पे ध्यान लगाओगे कि टाइम मुझे यूज कैसे करना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। आप इस चीज पे ध्यान लगाओगे कि एग्जाम मेरे होंगे नहीं होंगे, ये होंगे वो होंगे, पूरा दिन सोचते रहना, उससे रिजल्ट 0/0 आएगा, क्योंकि एग्जाम आपने कैंसिल नहीं करने, आईसीएस नहीं करने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक करेगी कि हमारे देश की इस टाइम प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, हम क्यों सोचें। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा ऑर्डर दिया, घर बैठ के अपना आराम से बैठो, बस घर रहो, लक्ष्मण रेखा बना लो, एक बात खत्म। तो घर में नहीं आप रह सकते, आप घर बैठ के नहीं पढ़ सकते, नो डाउट आपके घर में प्रॉब्लम्स होंगी, हर घर के अंदर प्रॉब्लम, हर घर के अंदर प्रॉब्लम होती है सर, बट आपको पढ़ने का, अब मैं भी तो घर में रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मेरे घर में फैमिली के लोग नहीं है, मेरे घर के अंदर फैमिली के लोग भी हैं, बट मैं भी तो रिकॉर्डिंग का टाइम निकालता हूँ ना, चाहे मुझे रात को बैठ कर रिकॉर्डिंग करनी पड़े, चाहे मुझे 2 बजे रिकॉर्डिंग करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। बट आपकी सोच ही अलग लेवल पे चल रही है। बच्चा कह रहा आज तो मैं ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा होने के लिए आए, हमें आप आए हो। सर आपकी सुबह किसी से लड़ाई तो नहीं हुई घर में? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई नलायक को, मैं आपको समझा रहा हूँ यार, आपको मेरा समझाना गुस्सा लगता है, मैं नहीं समझाऊंगा आपको, मैं आज के बाद समझाऊंगा ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं तो ऐसे फैमिली की तरह समझाता हूँ आपको, छोटे भाई बहन समझ के, आप जैसे मुझे कई बार बोलते हो, मैसेज करते हो कि हाँ भाई भैया, या आप मुझे बोलते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए समझाता हूँ कि यार ये एज बहुत काम की है, इस एज में ही आपके ड्रीम्स पूरे होने हैं, इस एज में ही सब कुछ आपने करना है, इस एज को वेस्ट मत करो। देखो सिंपल सी बात यह है, हर एक आदमी की एक एज होती है कुछ अचीव करने की, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका या लो 17 साल से लेकर 23 से 24 साल तक की ये एज ऐसी होती है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर, यही एज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अब अगर इसी एज को आपने वेस्ट कर दिया ना, आप लाइफ टाइम, मैं कह रहा हूँ सर, लाइफ टाइम आप याद करोगे कि काश हमने उस टाइम कुछ अच्छा किया होता। मुझे भी आज कई बार फील होता है, मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट जब अपने दोस्तों के साथ किया घूमने फिरने में, मुझे यार फील होता है कि यार अगर मैं वो टाइम थोड़ा सा यूज़ कर लेता ना, क्या आपका मेरा रैंक आ जाता। बट मैं कहता हूँ विवेक यार कोई बात नहीं, तूने फिर भी बहुत कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की, और भगवान की दया से तो आज सही है। तो मैं वही सेम चीज चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा ना, वो अपनी जिंदगी का ये वाला टाइम वेस्ट ना करे, मतलब फिजूल मत बने, वो नेगेटिविटी में मत आए, वो लोगों के माइंड से काम ना करे, वो अपने माइंड से काम करने वाला बने, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने वाला बने, और एक ऐसी जिंदगी अपने पेरेंट्स को देना कि पेरेंट्स भी खुश हों, अपने जो कहते हैं ना सुपुत्र, वो कहें कि यार मेरा सुपुत्र ये है, और जब मैं बाहर जाता हूँ ना मुझे एक प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा ये है। उनके दिल से दुआ जब निकलेगी ना, ये नवरात्र, ये दिवालियाँ, ये सब आपकी तभी मनाई जाएंगी जब पेरेंट्स का दिल खुश होगा। तो सिंपल सी बात यह है, मैं आपको क्यों इतना बोलता हूँ, क्योंकि एज ए ब्रदर, एज ए बड़ा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते आप मेरी बात मान लिया करो कि सिंपल सी बात है कि भैया हमें काम करना है, अच्छे से काम करना है, और यही एज डिसाइड करवाती है हमारा फ्यूचर क्या होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, अब इस वीडियो को चाहे बीच में काट देना, मुझे पता है आधे बच्चे ने स्किप कर दिया कि कोई दिक्कत थोड़ा है मुझे, बट मुझे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना सर। ठीक है ना, तो मुझे जब मैं आपको डेली लेक्चर दूंगा तो कम से कम मैं 5 मिनट आपको जरूर समझाऊंगा, चाहे वो 5 मिनट का आप काट देना, चाहे आप ये बोल देना कि 5 मिनट की क्लास आज हमारी कम आई है, पर मुझे फिर भी आपको डेली समझाना है, क्योंकि अगर एक बच्चे के भी दिल में ये बात लग गई ना कि विवेक सर जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी उस दिन सफल हो जाएगी, मेरा बोलना सफल हो जाएगा। बाकी 99 की जिंदगी सफल हो या ना हो वो उनके ऊपर है, क्योंकि देखो मैं सबके लिए बोलता हूँ, यही सेम क्लास सबके पास जानी है, मैं इसमें कोई कट नहीं मारूंगा। ठीक है ना, मेरी आज तक क्लास में आपने सिंगल कट नहीं देखा होगा, सर मुझे मंजूरी नहीं है कट मारना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है जी, इधर देखना ध्यान से, अब यहाँ पे ना एक बच्चे का, हाँ हम कहाँ थे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कुछ ही घंटे रह गए आपके सीएस बनने में, और फिर वहां से बात स्टार्ट हो गई जिंदगी का भरोसा नहीं है। इधर देखो ध्यान से,
अब कुछ ही घंटे रह गए हैं सीएस बनने में। अब एक बात में सोच के बताना, जैसे मान लो एक क्लाइंट, अब आप एक बच्चा सीएस बन जाता है, अब एक क्लाइंट उसके पास आया, उस क्लाइंट के ना क्वेश्चन, ध्यान सुना क्वेश्चन क्या है, उस क्लाइंट के ना ये क्वेश्चन है, या मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो आज मैं क्लाइंट बनता हूँ, आप मेरे सीएस बन जाओ, मेरे आप मतलब अकाउंटेंट बन जाओ, आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट संभालो, मेरे मन में कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स का आप मुझे आंसर दो, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, मेरा पूरी फैमिली से बस ये क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल की अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। इट मीन्स मैं एज ए इंडिविजुअल आपके पास आया हूँ, ध्यान सुना मेरी बात को, क्वेश्चन ध्यान सुना, क्योंकि अगर आपने ये आंसर दे दिया ना, बिलीव मी इतना दिल मेरा खुश होगा ना, मेरे को पढ़ाने का ना ये लगेगा कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा सही जा रहा है। क्वेश्चन पहले सुन लेना ध्यान से, आंसर बीच के अंदर मत बोलना, जो बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं चुप करके बैठ जाओ, अभी पहले सुन लो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है, एज ए इंडिविजुअल मैं आपके पास आया और मेरा बस आपसे क्वेश्चन है कि मेरे केस में जब भी आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, आप मेरी इनकम को कैसे कैसे बाइफरकेट करके टैक्स निकालोगे, कि सर एक इंडिविजुअल की ना, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की हमारे हिसाब से टैक्स निकालने में ये कैटेगरी बन सकती है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की जब भी आप टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे उसकी कितनी कैटेगरी आप बना सकते हो, बस ये बता दो। यस, एक बच्चा बताना चाह रहा है, हाँ जी बताओ जी। सबसे पहले कैटेगरी क्या चीज, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ नलायक, जो कैमरे के सामने बैठा है बच्चा क्यूट सा, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे सबसे पहले कैटेगरी बच्चा कहना चाह रहा है, सर या तो आपकी लिमिट होगी एग्जम्पशन लिमिट तक, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी बट 5 लाख तक होगी तो रिबेट मिल जाएगी, वेरी गुड। थर्ड कैटेगरी, 5 लाख से ज्यादा होगी, 50 लाख तक होगी, ना तो कोई रिबेट, ना कोई सरचार्ज, ना कोई एमआर, बहुत बढ़िया। फिर एक 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, ये कैटेगरी। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक, ये कैटेगरी। 2 करोड़ से 5 करोड़, ये कैटेगरी। 5 करोड़ से ऊपर वाली, ये कैटेगरी। ये सारी कैटेगरी सर आपकी बनेगी, बहुत ही बढ़िया बच्चे ने आंसर दिया, इसके लिए बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। मतलब बिलीव मी आपने इतना बढ़िया आंसर दिया ना, इट मीन्स जो आपने आंसर दिया ना सर, आपको लग रहा है आपने बहुत छोटी बात बोली, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी एक क्लाइंट सीएससीएस के पास आता है ना, अगर वो ये कैटेगरी जानता है उसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। सर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की ना, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की मैक्सिमम टू मैक्सिमम बस यही कैटेगरी बनेगी, या तो उसकी इनकम होगी एग्जम्पशन लिमिट तक, टैक्स आएगा जीरो, या इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, 5 लाख तक होगी तो रिबेट मिल जाएगी, 5 लाख से ऊपर है, 50 लाख तक है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई एमआर नहीं, कोई रिबेट नहीं, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, एक ये कैटेगरी, 1 करोड़ से 2 करोड़, ये कैटेगरी, 2 से 5 करोड़, ये कैटेगरी, और 5 करोड़ से ऊपर वाली, ये कैटेगरी, मैक्सिमम बस ये कैटेगरी बनेगी। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता आपने ये क्यों बोला रेजिडेंट, एनआर में भी तो सेम बनेगी, बनेगी बट एक कैटेगरी कम बनेगी, रिबेट वाली। एनआर में क्या बनेगी, एग्जम्पशन लिमिट तक, और एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा सीधा 50 लाख तक, उसमें 5 लाख वाली कोई कैटेगरी नहीं होगी, क्योंकि रिबेट एनआर को नहीं मिलती, सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर ये लिखवाने जा रहा हूं ताकि आपके, मैं ये डायग्राम ऐसा बनवा दूंगा, आप लाइफ में कभी सोचोगे भी ना, कभी भी आपके मन में डाउट आएगा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका टैक्स निकालना कैसे है, इस डायग्राम को खोल लेना, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इधर देखो ध्यान से, सबसे बेस्ट मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जी, और आपके बहुत काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा, इवन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आपको डाउट होगा, जब तक ये लो रहेगा तब तक ये आपके काम आता रहेगा। लिखो यहां पर, अब यहां लिखो क्रक्स, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल।
पहला केस एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक, 50 लाख तक, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं बन सकती सर, अपने दिमाग जितना मर्जी चला लो, जितना मर्जी यूज कर लो, इससे ऊपर कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैटेगरी बनेंगी, 7 कैटेगरी से ऊपर कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। लिखो यहां पर, या तो एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख, टोटल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 50 लाख, मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़, 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। लो जी, बस ये कैटेगरी आपकी निकल के आ रही है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है। इसको अलग कर रहा हूं मैं, इसको अलग कर रहा हूं, इसको अलग कर रहा हूं, और ये सारी कैटेगरी को अलग करके चल रहा हूं। यहां पे आपका टैक्स आएगा नील, ठीक है? इस केस में कोई भी आपका टैक्स आएगा ही नहीं। इट मीन्स अगर इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट तक होगी, उस केस में कोई भी टैक्स आपका नहीं आएगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी? अब अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम माइनस में रिबेट 87 है, ठीक है जी? ये आपका आएगा फाइनल टैक्स, ठीक है जी? रिबेट माइनस करने के बाद, अब अगर इनकम 50 लाख, 5 लाख से ऊपर है, 50 लाख तक है, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम प्लस में बस 4% सेस, कोई सरचार्ज नहीं, कोई एमआर नहीं, कोई रिबेट नहीं, क्योंकि 50 लाख तक ना तो सरचार्ज है, ना ही रिबेट है, और ना ही एमआर है, सिर्फ सेस है। ये फाइनल टैक्स आ गया। और अगर आप इस कैटेगरी में कवर होते हो, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम प्लस में सरचार्ज 10%, 15%, 25%, 37%, जो भी आएगा, ठीक है जी? ये आ गया टी प्लस एस, माइनस में एमआर इफ एनी
इफ एनी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा होगा इनकम कम होगी तभी एमआर मिलेगा, अगर इनकम ज्यादा है टैक्स कम है तो एमआर नहीं मिलेगा। फिर ये एमआर माइनस करने के बाद ये जो आएगा टी प्लस एस माइनस एमआर प्लस में 4% सेस। ठीक है जी, अभी आपका आएगा फाइनल टैक्स। लो जी ये कैटेगरी है सर, इससे ऊपर कोई भी कैटेगरी नहीं है, बस ये पर ध्यान देना। अब आप चेक कर लो इसमें से, बस आप ध्यान देना जब मैं एनआर की बात करूंगा ना, एनआर वाला आपने खुद बनाना है, एनआर वाला खुद बनाना है, उसमें बस एनआर वाले केस में ये कैटेगरी मत लिखना, यहाँ पे लिखना एग्जम्पशन लिमिट तक, फिर यहाँ पे टोटल इनकम मोर देन 5 लाख नहीं, टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा 50 लाख तक, ये कैटेगरी और बाकी फ्री है, मतलब वहां पे ये आपको तीन तरह से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये वाली कैटेगरी जो बनाई है एक्स्ट्रा, क्योंकि रेजिडेंट वाले केस में रिबेट है, एनआर वाले केस में रिबेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? यस सर। तो अब जाके फाइनली ना, अब जाके हमारे इंडिविजुअल वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकालना है, सरचार्ज क्या होगा, एमआर क्या होगा, रिबेट क्या होगी, ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। अच्छा अब रिबेट वाला एक कॉन्सेप्ट ना मुझे आपको और बताना है, यहाँ पे एक बार नोट लिखना, नोट लिखो, नोट लिखो। पहला पॉइंट रिबेट अलाउड इफ टोटल इनकम अप टू रुपी 5 लाख एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। बस इसको एक बार लिख के ना छोड़ देना कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आते हैं ना, कैपिटल गेन के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आते हैं तो उस इनकम में से कोई आपको रिबेट नहीं मिलती, इट मीन उस टैक्स में से कोई भी आपको रिबेट नहीं मिलनी। ठीक है जी, तो आपको रिबेट हर इनकम में से मिलनी है, हर टैक्स में से मिलनी है, बट 112 के जो गेन होंगे उसमें से कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलेगी, बाकी कोई भी आपकी इनकम होना चाहे वो लॉटरी की इनकम ही क्यों ना हो। यस आपने सही सुना बिल्कुल, इट मीन्स अगर मेरी कैजुअल इनकम भी 5 लाख तक होगी ना तो भी मुझे रिबेट मिल जाएगी, अगर मेरी कैजुअल इनकम भी 5 लाख तक होगी तो भी रिबेट मिलेगी। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला टोटल इनकम में सारी इनकम कवर कर लेना, बट 112 कैपिटल ए का लॉन्ग टर्म गेन जो होगा वो यहां पर कवर नहीं होगा। अब वो क्यों बाहर निकाला, उसका लॉजिक क्या है, वो सारी बातें हमारी कैपिटल गेन के अंदर होंगी, बट अभी के लिए इतना समझो कि रिबेट आपको हर इनकम में से मिलनी है, बट इस इनकम में से कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलनी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का? लो अब मैं फाइनली अब जाके इसको ओवर करने जा रहा हूँ कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल के, टाइम हमने ज्यादा लगा दिया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आने से मतलब है, इट मीन्स अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फाइनली पैकअप कर सकता हूँ। पक्का पक्का? तो इंडिविजुअल के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा गलती तो नहीं करोगे, टैक्स निकालना आ चुका है अच्छे से, सरचार्ज आ चुका है, रिबेट आ चुकी है, एमआर निकालना आ चुका है। यस अब एक बच्चा फटाफट से बस मुझे इतना बता दे, 5 मिनट लगा दो जी, 5 मिनट और फटाफट से रिविजन कर दो इंडिविजुअल हमने क्या किया। सर इंडिविजुअल वाले केस में ना पहले हमने निकालना सीखा टैक्स, और टैक्स निकालने के लिए हमारे पास 2 केस होंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट वाले केस में आपने 3 कैटेगरी बनाई है, एनआर वाले केस में 1 कैटेगरी आपने बनाई है, उसमें 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख की एग्जम्पशन है, और एनआर वाले केस में सिर्फ 2.5 लाख की एग्जम्पशन है। फिर 5% रेट लगेगा, फिर 20% लगेगा, फिर 30% लगेगा, फिर आपके 4 सरचार्ज के रेट होंगे, या तो लगेगा 10, या लगेगा 15, या लगेगा 25, या लगेगा 37, वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है सरचार्ज भूल जाओ, 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है 15%, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है 25%, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी फिर आपका लगेगा 27% या आपके सर सॉरी 37% आपके सरचार्ज के रेट होंगे। अब जो भी आपके सरचार्ज के रेट होंगे उस केस में, फिर जहां आपकी इनकम कम होगी और टैक्स ज्यादा होगा वहां पर हार्डशिप होगी, उस केस में आपको एमआर मिलेगा। और सिंपल सी बात बस ये निकल कह रहे कि एमआर निकालने के सारे स्टेप जो होंगे वो सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा रिबेट का आता है, रिबेट सबको नहीं मिलती, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन ये निकल के आती है, आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो तो रिबेट मिलेगी। रिबेट कितने की मिलेगी, जो भी आपका टैक्स आएगा वो, या 12,500 विच एवर इज लेस, उतने की रिबेट आपको मिलेगी। हर केस में सेस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इट मीन जब भी आपका टैक्स आएगा उसमें सेस ऐड कर देना, फिर जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। ये सारी बातें अभी तक हमने की है इंडिविजुअल वाले केस में, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? लो जी अब अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आना सर, अगला कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के बराबर ही इंपॉर्टेंट है,
आओ जी, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है टैक्सेशन ऑफ कंपनी। टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज, फॉर असेसमेंट ईयर 2021, और इसको जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहां पर काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। टैक्स रेट चेंज हुए हैं सर, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। तो बस इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इट मीन्स आपके एग्जाम में जून दिसंबर में चांसेस पूरे पूरे हैं कि एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का बनेगा और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। वहां से क्वेश्चन बनेगा सरचार्ज वाला, क्योंकि अमेंडमेंट सरचार्ज के अंदर है, और यहां से क्वेश्चन बनेगा जो दो नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं कंपनी वाले केस में। इवन मैं अमेंडमेंट क्लास डाल भी चुका हूँ, बट आपको अमेंडमेंट क्लास नहीं देखनी क्योंकि आप करंट बैच ले रहे हो, ठीक है ना। बट जिन बच्चों ने पुराना बैच लिया है उन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देख ली होगी। कंपनी वाले केस में टैक्स के रेट के अंदर फर्क आ चुका है, तो प्लीज अगर नहीं देखी उन बच्चों को बोल देना अमेंडमेंट क्लास, वो जरूर देख लेंगे, ठीक है जी। चलो इधर आप ध्यान सुनना, अब अगर मैं कंपनी की बात करूंगा ना, अब जितनी मेरी क्लास का अगला टाइम होगा, मुझे नहीं लगता कि आज मेरा चैप्टर खत्म होगा, बट मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं डेली क्लास भेजूंगा। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आपका बेस क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे जाके लाइफ में कभी दिक्कत ना आए टैक्स के अंदर खासतौर पर। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, अब यहां पे लिखा हुआ है टैक्स रेट फॉर कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब अगर मैं कंपनी की बात करूंगा ना, अगर मैं कंपनी की बात करूंगा तो अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि विवेक कंपनी की ना दो कैटेगरी होती है। अब वो दो कैटेगरी कौन कौन सी, अब गलती से भी ये मत बोल देना प्राइवेट और पब्लिक, वो होती है कंपनी लॉ के अंदर। अब अगर मैं कंपनी की बात करूंगा ना, तो कंपनी की दो कैटेगरी गवर्नमेंट कहने चाह रही है कि या तो वो कंपनी होगी इंडियन कंपनी या वो कंपनी होगी फॉरेन कंपनी। अब अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी होगी ना, उसके तो हर केस में फिक्स है कि 40% टैक्स का रेट लगेगा। एक केस में गवर्नमेंट 50% लगाती है, बाकी नॉर्मली हर केस में 40% लगेगा अगर वो कंपनी फॉरेन कंपनी है। बट अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है उसके दो केस होंगे, या तो वो इंडियन होगी छोटी कंपनी या वो इंडियन होगी बड़ी कंपनी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी का मतलब क्या है। सर एक बात मैंने सोच के बोला, आज इंडिया में ना कई सारी स्टार्टअप कंपनी खुल रही हैं, और आप सब जानते हो मोदी साहब स्टार्टिंग से क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनी नहीं खुलती है, जिनकी टर्नओवर एक लिमिट तक होती है, अगर वही सेम कंपनी वो सेम टैक्स पे करे जो बड़ी कंपनी पे कर रही है, उसको प्रॉब्लम होगी ना। इट मीन्स वो कंपनी ये बात कहना चाहती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एक बात मुझे बताओ कि हमने एक कंपनी बनाई, हमारी टर्नओवर इतनी है, आपने बोला स्टार्टअप कंपनी है कंपनी, हमने वो सारा काम किया, उसके बावजूद भी अगर हमें सेम टैक्स पे करना होगा फिर हमें फायदा क्या मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कि जितनी भी कंपनी छोटी कंपनी होंगी ना, उन कंपनी पर हम रेट एप्लीकेबल करेंगे ये वाला, बाकी सब कंपनी पर रेट एप्लीकेबल करेंगे ये वाला। अब सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि किस कंपनी को इन्होंने छोटी इंडियन कंपनी बोला और किस कंपनी को बड़ी इंडियन कंपनी बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस टाइम ये लॉ बना था ना छोटी कंपनी वाला, जिस टाइम ये लॉ स्टार्टिंग के अंदर बना था, उस टाइम गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होगी वो छोटी कंपनी है, फिर 5 करोड़ से की 50 करोड़, फिर 50 करोड़ से फिर लिमिट बढ़ी, फिर लिमिट बढ़ी, फिर 250 करोड़ की, अब फाइनली अब जाके गवर्नमेंट कह रही है कि जिसकी टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक होगी वो कंपनी छोटी कंपनी मानी जाएगी। इट मीन्स आज अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, प्लीज ध्यान सुनना, आज अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, अगर उसकी टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है ना, 400 करोड़ तक है, तो कंपनी छोटी कंपनी है, उस कंपनी पर रेट कम लगेगा। और अगर उसकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, फिर वो कंपनी बड़ी कंपनी है, फिर रेट ज्यादा लगेगा। और अगर फॉरेन कंपनी है, तुम्हारी टर्नओवर कितनी भी हो हमें कोई परवाह नहीं है, हर केस में 40% टैक्स लगा देना, बात खत्म कर देना। एक बच्चा हैंड रेस करके बैठ गया, कहता सर डोमेस्टिक कंपनी पर तो हमने सुना कि 22% रेट हो गया और कुछ किसे 15% हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्स्ट्रा नॉलेज मत इतनी रखा करो, वो अमेंडमेंट्स मैंने क्या बोला कि दो सेक्शन नए आए हैं, उन दोनों सेक्शन को मैं अपने आप कराऊंगा, टाइम से कराऊंगा। सर आपसे ज्यादा टेंशन मुझे यहां पर है, तो मेरे पर डाउट मत रेस करना, जितना मैं आपके बारे में सोचता हूं उससे कोई भी सोचता होगा। अब या तो आपने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी, कहीं सुना होगा,
और जिन्होंने भी सुना है या अमेंडमेंट क्लास देखी है, मैं उनसे दोबारा बोल रहा हूँ, सर आपका लेटेस्ट बैच है, आप टेंशन मत लो, सारा कुछ यहाँ पे होगा। और अगर अमेंडमेंट क्लास आपको देखनी होगी बता दूंगा, अमेंडमेंट क्लास आप देख लेना, तो प्लीज आप यहाँ पर ध्यान दो। तो या तो रेट लगेगा छोटी कंपनी पर या रेट लगेगा बड़ी कंपनी पर। अब छोटी कंपनी पर क्या लगेगा, बड़ी कंपनी पर क्या लगेगा वो सुनो। अब छोटी कंपनी जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी ना, उस कंपनी को टैक्स पे करना है 25% से। और जिस कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, बड़ी कंपनी है, वो टैक्स पे करेगी 30% से। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है, सर एक बात हमें बताओ। मैंने कहा क्या? कहता सर जो आपने हमें टैक्स के रेट बताए हैं, ये टैक्स के रेट किस ईयर के हैं? मैंने बोला, तो मैंने कहा असेसमेंट ईयर 2021 में जो भी रेट आपके एप्लीकेबल होंगे वही तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 1920 है, असेसमेंट ईयर 2021 है। तो प्रीवियस ईयर 1920 में जितनी भी इनकम कमाओगे उस इनकम पर या तो लगेगा 25% या लगेगा 30%, अगर फॉरेन कंपनी है तो हर केस में लगेगा 40%। अब बच्चा ये बात कह रहा, हमें ना ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये 400 करोड़ रुपए की, जैसे आपने बोला कि सर डाउट मेरा ये है, जैसे आपने बोला भाई हमारा ये तो हो गया चलो असेसमेंट ईयर 2021 और ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर 1920, और आपने हमें इनकम टैक्स की ना पहली क्लास या सेकंड क्लास में मैं समझा दिया था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स जाता है असेसमेंट ईयर में। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। तो कहता सर कि जो इस साल ये कंपनी इनकम कमाएगी ना, उस कंपनी पर या तो आपने बोला 25% लगेगा अगर वो छोटी कंपनी है, या तो इस कंपनी पर लगेगा 30% अगर वो बड़ी कंपनी है, और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो हर केस में आपको लगाना पड़ेगा 40%। ये तो हमें समझ में आ गया, बट इस कंपनी को हम छोटी कंपनी मानेंगे बड़ी कंपनी मानेंगे, आपने ये भी बता दिया उसकी टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक होगी तो वो छोटी है और 400 करोड़ से ऊपर होगी तो बड़ी कंपनी है। अब ये 400 करोड़ हमें टर्नओवर जो चेक करनी है वो किस ईयर की चेक करनी है? एक बच्चा साथ में बैठा था दोस्त के अपने, दोनों इकट्ठे क्लास देख रहे थे, बच्चा कह रहा है यार तेरे को ये नहीं पता कि हमेशा टर्नओवर चेक करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस का मतलब है कि अगर 19-20 में, अगर 19-20 की इनकम पर हमें टैक्स लगाना है तो हम टर्नओवर चेक करेंगे, भाई मेरे 18-19 में टर्नओवर क्या थी उस ईयर की टर्नओवर देख लियो, उसके बेस पे तू रेट लगा दियो, तेरे को यही नहीं पता, तू इससे क्वेश्चन सर से पूछ रहा है। अब जिसने साथ वाले बच्चे को बताया वो उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि लो में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि 19-20 की इनकम पर रेट क्या लगेगा उसके लिए टर्नओवर चेक करोगे 18-19 की। लो में ये लिखा है कि अगर इस साल की इनकम पर रेट लगाना है ना उसके लिए टर्नओवर चेक करोगे तुम 17-18 की। बच्चा कह रहा है यस, लो में ये लिखा है। इट मींस लो ये बात कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान सुना सर, क्योंकि 90% बच्चा यहां पर गलती करता है और बच्चा एग्जाम में गलती करके आएगा आएगा, क्योंकि हमेशा चेक करता है वो लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर लो में कहीं लिखा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसका लॉजिक क्या, लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम पर किस रेट से टैक्स पे करेगी, उसकी 17-18 में टर्नओवर क्या थी उसके बेस पे डिसाइड होगा। इट मींस उसकी टर्नओवर 18-19 में क्या है हमें नहीं पता, 18-19 की टर्नओवर हमारे किसी काम की नहीं है, प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर क्या होगी वो हमारे काम की होगी। इट मींस अगर मान लो इस साल की टर्नओवर, इस साल की टर्नओवर उसकी 360 करोड़ है और इस साल की टर्नओवर 425 करोड़ है तो भी रेट 25% एप्लीकेबल होगा, यह बात सुन लियो, क्योंकि 18-19 की टर्नओवर इस साल के लिए हमारे किसी काम की नहीं है। और अगर इस साल की टर्नओवर उसकी 450 करोड़ है, इस साल की 300 करोड़ है, तो इस साल की रेट पे 30% लगेगा, 25% नहीं लगेगा। हमें टर्नओवर इस साल की चेक नहीं करनी, हमें जो जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकालनी है, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम हम निकालने जा रहे हैं उससे पिछले से पिछले साल की टर्नओवर चेक करना कि आपकी टर्नओवर कितनी है। तो मुझे दोबारा बोल दो, जिनके भी एग्जाम, अब गलती मत कर देना, जिनके भी एग्जाम जून 20 में है या दिसंबर 20 में है, जिनके भी एग्जाम जून 20 में दिसंबर 20 में है, उन सबके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा 1920। तो जब कंपनी की इनकम पर रेट एप्लीकेबल करोगे तो 1920 की इनकम पर रेट कौन सा लगेगा वो डिपेंड किस पर करेगा कि 17-18 में टर्नओवर क्या थी। अगर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक थी फिर 19-20 की इनकम पर लगा देना 25%, और अगर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर थी फिर लगा देना 30%। तुम्हारी 18-19 में टर्नओवर क्या थी, 19-20 में टर्नओवर क्या है, अगले साल क्या होगी हमारे किसी काम की नहीं है, हमें 1920 के लिए प्रीवियस ईयर 17-18 के टर्नओवर देखनी है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो लो में क्या लिखा है, इधर देखो ध्यान से, ये आपका यहां पर आएगा कंपनी का टैक्स रेट, ये देखो जी, ये देखो यहां पर नॉर्मल इनकम
टैक्सेबल एट फ्लैट रेट। अब देखो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो वेयर द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ देन 25%, और जो अदर डोमेस्टिक कंपनी है मतलब जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30%, और फॉरेन कंपनी के हर केस में 40%। ये तीन रेट आपके निकल कर रहे हैं, इन तीनों के अलावा कोई भी रेट नहीं है। सरचार्ज नीचे मत पड़ो, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। अभी आपको देखने रेट टैक्स क्या होंगे। तो पहली बात तो कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर इंडियन कंपनी में 2 रेट लगेंगे, फॉरेन कंपनी में 1 रेट लगेगा। इंडियन में 2 रेट कौन से लगेंगे वो डिपेंड करेगा, वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, और छोटी कंपनी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट ने क्यों बोला, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी नई नई कंपनी बन रही है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन कंपनी को बेनिफिट देने के लिए एक टर्नओवर निकाल दी कि अगर आपकी टर्नओवर इतने लिमिट तक होगी ना तो आपको 25 पे कर रहे हैं, बट अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर होगी फिर आप 30% पे करोगे। और टर्नओवर हमें चेक करनी है 17-18 की, तो 19-20 में इस साल मतलब इस साल की इनकम पर जितनी भी कंपनी है वो क्या टैक्स पे करेंगी, वो 17-18 में टर्नओवर क्या थी उस पर डिपेंड करेगा। 18-19 की टर्नओवर हमारे किसी काम की नहीं होगी। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसका लॉजिक सुनो ध्यान से। एक बात मुझे सोच के बताना यार, एक बात मुझे सोच के बताओ। आपको मैंने इनकम टैक्स में बताया भी था कि लोग इनकम टैक्स की ना रिटर्न फाइल करते हैं, शायद आपने सुना हो। और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है, अगर आपको बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपके फादर साहब अगर साथ में बैठे हैं उनसे पूछ के बता दो, क्योंकि अब तो सारे घर में ही होंगे ना, एक फैमिली की तरह घर में सारे बैठे होंगे। अब मुझे सोच के बताओ री, अपने पापा से पूछ के बताओ कि पापा इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट क्या होती है, तो पापा ने जो आपको आंसर दिया ना, आंसर पता क्या दिया होगा, पापा ने बोला होगा कि रिटर्न फाइल करने की डेट होती है बेटे 31 जुलाई। अगर वो कंपनी है, अगर आपके पापा की कंपनी है तो उनकी डेट होती है 30 सितंबर, ये उनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यूटी होती है। और एक चैप्टर होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, जो एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में नहीं है बट ओल्ड सिलेबस में है, उसकी रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 30 नवंबर। तो ये न्यू सिलेबस वालों की किसी काम की नहीं है, ओल्ड वालों के काम की है। न्यू वालों के एग्जाम में 2 ड्यूडेट होंगी, ओल्ड वालों के एग्जाम में 3 ड्यूडेट होंगी। नॉर्मल इंसान को रिटर्न फाइल करनी होती है 31 जुलाई तक। अगर आप कंपनी हो या आपका ऑडिट कंपलसरी है, आपका ऑडिट होता है, सीए ऑडिट करता है, उस केस में रिटर्न जाती है 30 सितंबर को। ये 2 डेट आपकी होती है। एक बच्चा कहता है सर क्या कमाल की बात करें, पापा तो कह रहे हैं कि डेट तो 30 अक्टूबर हो गई है। हाँ अंकल जी हो गई है, बट वो 30 अक्टूबर जो डेट एप्लीकेबल होगी ना, वो डेट आपकी एप्लीकेबल 30 अक्टूबर वाली एप्लीकेबल कब होगी, इस फाइनेंस एक्ट से। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ये फाइनेंस एक्ट जो 20 है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मेनली यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि भैया ये वाला जो है मतलब ये वाला जो है अभी हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है 30 अक्टूबर वाला। हमारे एग्जाम में 2 ही डेट होंगी, या तो होगा 31 जुलाई या होगा 30 सितंबर। ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात मुझे और सोच के बताना, अब ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसका एक लॉजिक है। पहले ये क्लियर हो गया, रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट जो होती है वो 2 होती है, 31 जुलाई 30 सितंबर, ये 2 डेट हमारी होती है। अब प्लीज ध्यान सुना, मेरा प्रीवियस ईयर जो है ना, सोच के बताना, मेरा प्रीवियस ईयर है ये 1920। अच्छा अगर मेरा प्रीवियस है 1920 सोच के बताओ, तो क्या इस प्रीवियस ईयर में जितनी इनकम कमाऊंगा क्या उस इनकम पर मैं इस साल टैक्स पे करूंगा अगले साल पे करूंगा। अगले साल आपको मैंने बताया था असेसमेंट ईयर में, तो अगर मैं अगले साल टैक्स पे करूंगा तो रिटर्न फाइल कब करूंगा, इस साल या अगले साल रिटर्न फाइल करूंगा मैं अगले साल। ये बात तो क्लियर है, मतलब इस साल की रिटर्न हमेशा अगले साल की 30 सितंबर तक जाती है। बस ये बात ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आप सोच के बताना। अब ये आपका ना, ये आपका प्रीवियस ईयर है 17-18, ये आपका प्रीवियस ईयर है 18-19, ये आपका प्रीवियस ईयर है 19-20, और ये आपका प्रीवियस ईयर है 20-21। बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये वाला ईयर क्यों लिया। मेरा बस आपसे क्वेश्चन ये है कि 19-20 में एक कंपनी जो इनकम कमाएगी, 1920 में कंपनी जो भी इनकम कमाएगी उस इनकम पर वो किस रेट से टैक्स पे करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस साल की टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि उसका रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसका लॉजिक सुनो ध्यान से। सर अगर गवर्नमेंट प्लीज ध्यान सुना, अगर गवर्नमेंट ये वाला साल बेस बनाती ना, ये वाला साल कि इस साल की इनकम पर रेट क्या लगेगा वो डिपेंड करता है इस साल के टर्नओवर पर, तो आप सब जानते हो इस साल की रिटर्न अभी यहां पर जानी है। और अगर इस साल की रिटर्न अभी यहां पर जानी है तो वो क्या करता, जब अपनी रिटर्न फाइल करता ना इस साल, तो अपनी टर्नओवर को मैनिपुलेट कर लेता।
क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोलती कि भैया इस साल की इनकम पर रेट क्या लगेगा, हम इस साल की टर्नओवर चेक करेंगे, तो कहता ठीक है, इसकी टर्नओवर ज्यादा होती, ये कहता कोई बात नहीं, मेरी ज्यादा है ना टर्नओवर, मेरा साल तो खत्म हो गया, अब जब मैं यहां पे रिटर्न फाइल करूंगा अपनी टर्नओवर कम करके दिखा दूंगा, जब टर्नओवर कम करके दिखाऊंगा तो रेट मेरा कम लग जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती हमें ऐसा साल चाहिए जो पूरा साल क्लोज हो चुके हैं, जिसकी रिटर्न भी जा चुकी है, क्योंकि अगर वो रिटर्न बाद में रिवाइज करेगा तो मुझसे पूछेंगे ना रिवाइज कर क्यों रहा है। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ने बोला विवेक 17-18 एक ऐसा साल है जिसकी रिटर्न जा चुकी होगी, जो साल पूरा क्लोज हो चुका है उसमें मैन्युपुलेशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तभी गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी वाले हमारी बात कान खोल के सुन लो, कि 1920 में तुम जो भी इनकम कमाओगे उस इनकम पर रेट क्या लगेगा वो डिपेंड तुम्हारा इस साल के टर्नओवर पर करेगा, इस साल के टर्नओवर पर नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आता हो कि अगर मैं इस साल के टर्नओवर लेता, उसकी रिटर्न अभी इस साल जानी है, रिटर्न अगर जानी है तो टर्नओवर मैनिपुलेट कर सकता हूं, और अगर टर्नओवर मैनिपुलेट करूंगा तो टर्नओवर कम करके दिखाऊंगा, रेट 25% ले जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हमें ये नुकसान नहीं चाहिए, हमें ऐसा साल चाहिए जो पूरा क्लोज हो चुका है, हमें ऐसा साल चाहिए जिसकी रिटर्न जा चुकी है, तो इस केस के लिए हमें 17-18 की टर्नओवर चाहिए, 18-19 की नहीं चाहिए। तो आपके एग्जाम में सर टर्नओवर जितने भी दी हो ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, 19-20 की इनकम अगर निकालनी होगी, 19-20 का अगर रेट निकालना होगा तो 17-18 के टर्नओवर लेना, 17-18 के टर्नओवर क्या होगी उसके बेस पे ही डिसाइड होगा 19-20 का रेट क्या होगा। फॉरेन कंपनी में क्लेश नहीं है, फॉरेन कंपनी में स्यापा नहीं है, फॉरेन कंपनी में तो सिंपल सी बात है भैया टर्नओवर तुम्हारी कितनी भी हो हर केस में 40 है, इंडियन कंपनी में चेक करना पड़ेगा टर्नओवर कितनी है। अब जिन बच्चों ने पुराना लो पढ़ा होगा उन्होंने यहां पर पढ़ा होगा 16-17, क्योंकि उनके एग्जाम दिसंबर में थे और उन्होंने टर्नओवर 250 करोड़ पड़ी होगी, 250 करोड़ वाली 400 करोड़ हो चुकी है, 16 17 17 18 हो चुका है, तो प्लीज अपने अपनी पुरानी बुक में चेंज कर लेना अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो, ठीक है जी। अमेंडमेंट क्लास में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, बट मैं अमेंडमेंट इंक्लूड करवा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा भी करंट बैच चल रहा है, ठीक है ना। तो इवन कई बच्चों के पास मैसेज भी आया कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, आप कैसे रिकॉर्डिंग करोगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पुरानी रिकॉर्डिंग हमें दे दो। मैं कहा नहीं भाई, तुम तो ये बात कह रहे हो बट मुझे पता कि मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने को उस दिन भी कहा था कि मैं अपने आप से चीटिंग कर सकता हूँ, आपसे नहीं कर सकता था। मतलब जब तक भगवान ने जान दी है, जब तक सारा कुछ सही चल रहा है, जब तक नेट सही चल रहा है, घर में सेटअप लगा हुआ है, तब तक तो मैं पुरानी रिकॉर्डिंग क्यों दूं आपको। हाँ, जिस दिन ऐसी प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट ने बोला हम नेट ही बंद कर रहे हैं, तो उस केस में फिर मैं पुरानी रिकॉर्डिंग जो होंगी तब सिचुएशन देखेंगे, पुरानी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें अमेंडमेंट क्लास में डाल चुका हूँ। बट मैं कहता हूँ भगवान कभी ऐसी सिचुएशन आने ही ना दे, हमारा करंट मैच चले, क्योंकि जो पढ़ाने के अंदर ये मजा आता है ना सर, मुझे मजा आएगा ही नहीं उस रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है, लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों से ऐसी कनेक्टिविटी बनी रहे, बहुत मजा आता है। आपको लगता है ये होगा कि मैं आपके आप मेरे सामने नहीं हो, मैं ये मानता हूँ कि आप मेरे सामने ही बैठे हो। देखो ये सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे सामने नहीं बैठे, बताओ ना, मैं कैसे मान लूँ। आपको लगता है ना कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, तभी तो आपको डांटता हूँ, और मैं ऐसे तभी डांटता हूँ जब आप मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि मैं पागल थोड़ा कैमरे को डांटता रहूंगा, कैमरा तो है ही मेरे सामने, वो तो कैमरा बस एक मोड हो गया, आप बाकी मेरे एक्चुअल में सामने बैठे हो। फटाफट से बोलो जी मुझे यहाँ पर, अब कंपनी वाले केस में कितने रेट हो गए जी, 25, 30 और 40, 40 तो फॉरन कंपनी में है, 25 लगेगा छोटी कंपनी, 30 लगेगा बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी मीन्स 17-18 के टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी, और 17-18 की अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर होगी तो बड़ी कंपनी होगी। अच्छा, अब सरचार्ज की बात करते हैं, सरचार्ज वहां पर 4 टायर था इंडिविजुअल वाले केस में, यहां पर 2 टायर है, यहां पे लगेगा 1 करोड़ तक नील, 1 करोड़ तक अगर कंपनी की इनकम है नील, 1 करोड़ से ऊपर है 10 करोड़ तक है तो इंडियन कंपनी में 7% और फॉरेन कंपनी में 2%, और अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर होगी और प्रभु इच्छा तक होगी तो इंडियन में हो जाएगा 12%, वहां पे हो जाएगा 5% और 4% सेस तो हर केस में लगना है। सर क्या यहां पर भी एमआर मिलेगा, सेम मिलेगा, बट एमआर निकालना अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा दिया इंडिविजुअल में, कंपनी वाले केस में आप एमआर खुद निकालोगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आपने करके दिखाना है कि सर हमारे अकॉर्डिंग ना अब ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, क्योंकि आपने टाइम जो इंडिविजुअल के अंदर लगाया था हमें सब समझ में आ गया, अब कंपनी वाले हम क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है जी। आओ जी, बट उससे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो जी। हेडिंग डाल दी थी ना, टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी, लिखो जी यहां पे।
कंपनीज की दो कैटेगरी बनाओ। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की दो कैटेगरी बनाओ जी। स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी लार्ज डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। या तो कंपनी होगी स्मॉल या कंपनी होगी लार्ज। अब लिखो जी, इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन प्रीवियस ईयर 17-18 वॉज अप टू 400 करोड़, टैक्स एट द रेट 25%। और अगर टर्नओवर आपकी 30% ऑफ टोटल। ठीक है जी, और अगर वो कंपनी फॉरेन कंपनी है, टैक्स एट दी 40% ऑल केसेस, 40% हर केस में होगा जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। सही दिख रहा है आपको? मुझे तो यहां पे लग रहा है कि आपको सही दिख रहा है, बाकी एक बार ये देख लो, ये लो ए अब आगे लिखो जी, सरचार्ज सरचार्ज यहां लिखो ऊपर, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, इफ टोटल इनकम अप टू रुपी 1 करोड़, नील नील। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है
10 करोड़ तक है तो 7%, 2%। और अगर टोटल इनकम आपकी 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 12% और 5%, ठीक है नहीं? ये आपके सरचार्ज के रेट है। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू एमआर, एमआर तो मिलेगा ही मिलेगा। एमआर तो मिलना ही मिलना है। सेस 4%, इन ऑल केसेस 4% लगेगा हर केस के अंदर। लो जी, अब फटाफट से मुझे बताओ, पहले तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। फाइंड आउट दी एप्लीकेबल टैक्स रेट इन फॉलोइंग केस। ये आपका प्रीवियस ईयर है, मान लो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, और ये हो गया टैक्स रेट। यहां पे दिए टर्नओवर, टोटल इनकम, टर्नओवर है आपके यहां पे मान लो 320 करोड़, 380 करोड़, 430 करोड़, 460 करोड़। इनकम है 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 8 लाख। बताओ रही फटाफट से, इस केस में रेट क्या लगाऊं? जो इनकम अपने 1920 में, जो इनकम अपने 1920 में 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाई है, इस इनकम पर अब रेट क्या लगेगा जी? हाँ, इस इनकम पर रेट क्या लगेगा? ये लगा दूं 30% लगा दूं जी, क्योंकि टर्नओवर 460 करोड़ रुपए इस साल की। इस साल की चेक करूंगा, इससे पिछले की चेक करूंगा, उससे पिछले की, उससे पिछले की 17-18 में टर्नओवर क्या थी, वो कितनी है? 380 करोड़। तो 380 करोड़ है तो 400 करोड़ तक है ना, तो इस साल का रेट एप्लीकेबल होगा आपका 25%। ये रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। What will be your answer if turnover was in previous year rupee 450 crore? Solution: टैक्स रेट विल बी 30%। अगला क्वेश्चन फिर यहां पे क्या बनेगा? व्हाट विल बी योर आंसर इफ कंपनी इज फॉरेन कंपनी? अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो सॉल्यूशन क्या है? फोर्टी परसेंट इन ऑल केसेस, 40% जो होगा वो हर केस में आपका यहां पे निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पे निकल के आ रहा है। अब जाके हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको जब भी आपको रेट एप्लीकेबल करना है, वो रेट एप्लीकेबल किस बेस पे करना है, आपको इस बेस पे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जी। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओगे, अभी
एक इवन एक मिनी दो क्वेश्चन अभी करके दिखाओगे, देन फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको। सर हो जाए मुकाबला, आपने आज हमें बहुत गुस्से किया है और वो बातें हमारे दिल पे लगी हैं। कसम से इस बार हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे सर हम आंसर बिल्कुल सही दें। ओके जी, वेरी वेरी गुड। लो जी, एबीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, टर्नओवर इन 17-18 385 करोड़, 18-19 480 करोड़, टोटल इनकम इन प्रीवियस ईयर 19-20 है 1 करोड़ 1 लाख रुपए। मुझे बस फाइनल टैक्स निकाल दो इंक्लूडिंग सरचार्ज आफ्टर एमआर इंक्लूडिंग सेस। जिस बच्चे ने आंसर सही निकाल दिया ना, जिस बच्चे ने आंसर सही निकाल दिया, बस माता रानी का पहला नवरात्र है, दिल से बोल रहा हूं उस बच्चे ने कमाल कर दिया। मतलब मैं दिल से चाहता हूं कि वो बच्चा पास हो जाए, और जो बच्चा नहीं निकालेगा उसके लिए भी चाहता हूं, बट सही निकालना है, कोशिश करना। सारे कॉन्सेप्ट हमने एमआर वाले किए हैं, प्लीज फटाफट से निकालो। आपने निकालना कैसे, जल्दी। फर्क पता क्या आ रहा है, बस वहां पे स्लैब रेट लगाने थे, यहाँ पे फ्लैट रेट है। पहले चेक करो रेट कौन सा लगेगा, उसके बेस पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी। आपको मैं पूरे के पूरे यहाँ पर 2 मिनट दे रहा हूँ जी, पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ। आ गया मैं आपके सामने, बताओ रही फटाफट से आंसर क्या निकाला है। इधर देखो ध्यान से, इनकम कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख। पहले बताओ टैक्स रेट कितना लगेगा, 25 लगाऊं या 30 लगाऊं सर? हनी 25 या 30? 30 लग जाएगा, क्योंकि टर्नओवर आपकी 480 करोड़ है। 30% लगा दूं, चलो जी 30% लगाते हैं, 1 करोड़ 1 लाख पर लगाता हूँ 30%। 30% लगाते हैं, नहीं लगाते नालायक, नहीं लगाते, मुझे रोका करो, मैं गलत बोल रहा हूँ। 30% लगेगा, 25 लगेगा, 25, क्योंकि टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। देखो ना 17-18 के टर्नओवर 400 करोड़ तक है ना, तो रेट क्या लगेगा, 25%। तो 1 करोड़ 1 लाख का 25% अगर हम लगाएं तो 25,25,000 रुपये ये हमारा आ गया। फिर यहाँ पे लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज कितना लगेगा, 7%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो इसका 7% आ गया 176,750। हे भगवान, यहां तक तो हमारा सही है, प्लीज सारा सही कर देना सर, खुश हो जाएंगे हमारे। 25,25,000, इन दोनों का सम टोटल आ गया 27,1,750 रुपये। अब इमेजिन करो कि अगर इस कंपनी की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता, तो उसका टैक्स आता 25 लाख, और सरचार्ज यहां पर नहीं लगता, क्योंकि 1 करोड़ तक यहां पर सरचार्ज नहीं है। इंडिविजुअल वाले केस में 50 लाख के बाद है, यहां पर 1 करोड़ के बाद है, तो यहां पे आपका निकल के आ गया सिर्फ 25 लाख। ठीक है ना, सिर्फ 25 लाख आएगा ना, यस। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया जी, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 2,01,750 रुपये। इतने से मेरा टैक्स बढ़ गया, इतना मेरा टैक्स बढ़ गया ना, इनकम मैंने बढ़ाई सिर्फ 1 लाख से। ओ माई गॉड, तो 1,01,750 रुपए का एमआर मिल गया। सर ये तो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैंने भी तो कहा था सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि वहां पर स्लैब रेट थे, यहां पर फ्लैट रेट है, बाकी सारी बातें सेम, वही सेम सर चीज है।
जो स्टेप्स आपने वहां पे लिखे हैं वही सेम स्टेप यहां पर एप्लीकेबल होंगे, तभी वहां पर मैंने टाइम लगाया था, और आई होप कुछ बच्चों का सही भी होगा आंसर। तो एमआर निकल के आ गया 101,750 रुपये, इसको यहां से माइनस कर दूंगा, अब ये निकल के आ गया 26 लाख। अब इस 26 लाख में 4% अगर आप यहां पे सेस ऐड करोगे तो 26 लाख का 4% अगर निकालूंगा तो 27,04,000 रुपये ये फाइनल टैक्स आ रहा है। अब मुझे नहीं पता किन किन बच्चों का सही है, जिनका सही है बहुत बढ़िया, सही नहीं है चेक करो गलती हुई कहां पर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। इलोरी है आपका 27,04,000 है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं और अब देखता हूं कि वो क्वेश्चन, पहले तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लेना, मैं को दोबारा बोल रहा हूँ सर, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी हम फाइनली अब लास्ट क्लास होगी जी, सॉरी लास्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास फाइनली हमारी अब लास्ट क्लास होगी, क्योंकि उसमें हमें चैप्टर कंप्लीट करना ही है। ठीक है जी, वैसे अप्रोक्सीमेट 3 लेक्चर का है बट मैं 5 लेक्चर लगा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर बेसिक, क्योंकि मैं प्रॉब्लम पता क्या है, जब मेरा सारा टेक्स्ट खत्म हो जाता है ना उस टाइम बच्चों के डाउट आते हैं सर एमआर निकालना नहीं आ रहा, टैक्स निकालना नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं 5 लेक्चर लगा रहा हूं सिर्फ एक रीजन कि आपको कहीं पर भी डाउट होना कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ लो कि सर ये डाउट समय आ रहा है। ठीक है ना, लो जी अब फटाफट से एग्जाम्पल लिखो जी यहां पे, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा। सर एग्जाम्पल ना आप थोड़ा मुश्किल देना, और कसम है आपको माता रानी की अगर आप बीच में बोले पहले हम करेंगे, ओह सॉरी अब नहीं बोलूंगा पक्का, आपने माता की कसम दे दी ना, अब नहीं बोलूंगा, अच्छा बाद में बोल सकता हूँ जब आपका हो जाएगा, जब आप मुझे बता दोगे, मैं पूरे 2 मिनट रुक जाऊं आपके लिए। यस सर सिर्फ 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट के बाद ही आप बोलना। ओके जी, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी टोटल इनकम है 10,02,00,000। ओ माय गॉड, हमने कसम भी दी थी और सर भी बीच में नहीं बोलेंगे हम तो फंस जाएंगे, चलो कोई बात नहीं करके देखते हैं। इनकम 10,02,00,000 है, तो अगर 10,02,00,000 है कंपैरिजन करूंगा 50 लाख से, 10,02,00,000 है कंपैरिजन 50 लाख से करूंगा। ठीक है, टर्नओवर आपको दे रहे हैं 17-18 की 430 करोड़, और 18-19 के टर्नओवर है 380 करोड़, टर्नओवर कम हो गई 380, तो मेरा रेट लगेगा 25%, चलो अब हम कर लेंगे। ठीक है जी, और फटाफट से अभी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब आप करना स्टार्ट करो जी, 2 मिनट पूरे आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट पूरे आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टाइम नोट कर लिया है, पूरे 2 मिनट आपके पास हैं, अब चेक करता हूँ कि आप इसका आंसर सही निकालते हो या गलत निकालते हो, मुकाबला स्टार्ट हो चुका है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, खेलना स्टार्ट करो जी फटाफट से, जल्दी से जल्दी। हो गया, मैं 2 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, फिर मत बोलना कि आपने मेरे को कसम दी थी, मैं पूरे 2 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, मैंने टाइम नोट किया था, यहां पर करना स्टार्ट करूँ फटाफट से। लो जी अब यहां पे आपका है इनकम दी है 10,02,00,000, अब 10,02,00,000 पर टैक्स कितना आएगा जी, 10,02,00,000 पर पहले तो रेट बताओ, रेट क्या लगेगा, 25 या 30, हाँ जी 25 लगेगा या 30 लगेगा,
फटाफट से बताओ यहां पर 430 करोड़ चेक करो, 380, 430 करोड़ 17-18 की टर्नओवर, तो 30% लगेगा, तो 10 करोड़ 2 लाख का 30%, ये आ गया 3,60,000, ये आ गया ठीक है 3,60,000। उसके बाद इसमें सरचार्ज अब लगाना पड़ेगा, सरचार्ज कितना लगेगा 12%, क्योंकि 10 करोड़ से भी ऊपर इनकम हो गई ना इसका 12%, तो ये आ गया 36,07,200 रुपये। अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तीस प्लस में 12% इसमें ऐड कर दूंगा, 3,36,67,200 रुपये। ये भी आपका सेम आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का हाँ या ना तो बोल दिया करो नालायक को, हाँ या ना तो बोलो, ऐसे 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 ऐसा किया करो, ऐसे ऐसे कुछ तो किया करो, हाँ या ना मुझे पता लगे आप सही बैठे हो, सही आ रहा है ना? यस। अच्छा अगर अब कंपैरिजन किससे करूंगा, 50 लाख से या 10 करोड़ से? 10 करोड़ से, क्योंकि रेट चेंज हुआ 10 करोड़ के बाद। अब अगर 10 करोड़ से कंपैरिजन करूंगा, रेट 30% है, तो 3 करोड़ तो आपका टैक्सी आ गया, प्लस में सरचार्ज 7%, तो अगर मैं 7% निकालूंगा 21 लाख आ गया यहां पे सरचार्ज, अभी आ गया 3,21,00,000, क्योंकि 7% तो यहां लगेगा ना, क्योंकि 10 करोड़ तक तो 7% है। अब इन दोनों में टैक्स का इंक्रीमेंट कितना आ गया जी? इसमें टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया 3,36,67,200 माइनस में 3,21,00,000, तो ये 15,67,200 रुपये आ गया टैक्स का इंक्रीमेंट। इनकम मैंने बढ़ाई है 2 लाख से, तो अगर इनकम 2 लाख से बढ़ाई है तो 13,67,200 का, इतनी हार्डशिप हो रही है, ये मुझे मिल जाएगा MR। सर एक बार दोबारा समझाओ, इधर देखो ध्यान से, ये आपने इस पे निकाल दिया नॉर्मल टैक्स, ठीक है जी, फिर इसका 12% आपने सरचार्ज निकाला, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। कंपैरिजन आपने किया 10 करोड़ से, उसका निकाल दिया टैक्स, फिर आपने सरचार्ज ऐड किया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। यही कहानी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं हमें, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया, इनकम इंक्रीमेंट 2 लाख रुपए है, इतना निकल गया क्या MR। अब इस MR को इसमें से अब मैं यहां पर माइनस कर दूंगा, अब अगर मैं इसमें से यहां पर माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद ये आएगा 3,23,00,000, ये आ गया। अब इसमें 4% से ऐड कर दूंगा, तो अगर मैं इसमें 4% से ऐड करूं तो आंसर आएगा 3,35,92,000, ये आंसर आएगा जी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किन किन बच्चों का सही था, अगर आपका ये आंसर था दैट इज परफेक्ट आंसर, इस तरह से आपके आंसर निकलने हैं, ठीक है जी। पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा कहता है हमारा बिल्कुल सही है, बट हमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हमें और क्वेश्चन दिए जाएं ताकि हम घर में बैठ के आराम से आधा घंटा लगाएं और इसकी हम प्रैक्टिस करें। ओके, तो ऐसा है तो आओ फिर होमवर्क लिखो आज की क्लास का। अब हम आज हमारा इंडिविजुअल वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, कंपनी वाले हो गए, बाकी अब छोटे मोटे बचे हैं, उसमें मैक्सिमम हमारा 1 घंटा और लगेगा बस, देन फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। बट हाँ अभी कंपनी के 2 रेट मुझे नए कराने हैं सर, 22% और जो 15% वाला बच्चा बीच के अंदर बोल रहा था ना, उसकी अमेंडमेंट मुझे आज करवानी थी, बट आज अब टाइम नहीं है, आपने इस पर टाइम ज्यादा लगा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले अमेंडमेंट्स करेंगे वो वाली, देन फिर जो बैलेंस पार्टनरशिप फर्म हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, उस केस में रेट क्या है वो भी देखेंगे, HUF वाले केस में क्या वो भी देखेंगे। एक बच्चे का बीच में डाउट आया था, मैंने इग्नोर कर दिया था कि सर हमने सुना कि टैक्स को राउंड ऑफ भी करते हैं, इनकम को राउंड ऑफ भी करते हैं अगर फ्रैक्शन में हो, तो राउंड ऑफ किसके मल्टीपल में करते हैं, कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चे का और डाउट मैंने इग्नोर किया था, कहता सर कैजुअल इनकम में तो अलग रेट लगता है, लॉटरी की इनकम पे मैंने सुना हुआ है, या कुछ स्पेशल इनकम पे अलग रेट लगता है, वो रेट कौन से होंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके बैलेंस टॉपिक होंगे ना, वो सारे हमने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके चैप्टर पूरा पैकअप कर देना है, ठीक है जी। बट उससे पहले आओ जी होमवर्क लिखो। अब यहां पे असेसी रेजिडेंशियल स्टेटस, एज, टोटल इनकम, और यहां पे आपको बताना है फाइनल टैक्स, और अगर कोई MR है तो MR भी बता देना।
पीके ओवर लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, आपको बताना है टैक्स। LMN लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, 10 करोड़ 1 लाख, आपको बताना है टैक्स। ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी है, टर्नओवर 17-18 में 390 करोड़ है, उसकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 4 लाख, आपको बताना है टैक्स। मिस्टर जोनस, निक जोनस, NR है, एज है 42, मान लेते हैं, वैसे तो एज इतनी नहीं होगी बट मान लेते हैं, इनकम है उसकी 1 करोड़ 3 लाख। मिस्टर जेम्स, ये भी अनार है, एज है 61 ईयर और इनकम है 4,85,000, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन करने हैं जी, ये आपके क्वेश्चन आगे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन आपके आगे हैं जी, ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये 5 आपने घर से करके आने हैं, इसमें कोई भी डाउट्स होगा वो डाउट्स आपने मुझसे पूछने, बट पहले आपने घर से खुद प्रैक्टिस करने हैं और कोशिश करना सारे आप खुद निकालो, दोस्तों से व्हाट्सएप मत करना, आंसर मैच मत करना, फायदा कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम हॉल में कोई आपके साथ नहीं बैठा होगा, चाहे गलत निकालो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों से अगर डिस्कस करके करोगे नुकसान 200% आपका ही होगा और दोस्त का भी होगा, ठीक है जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, चाहे गलत कर दो, मैं दोबारा बोल रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अगर आप खुद गलत करोगे तो बुरा नहीं लगेगा, दूसरे के साथ डिस्कस करके सही करोगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा, और अगर खुद सही कर दोगे फिर तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, ठीक है नी। तो प्लीज आपने 5 क्वेश्चन हमें घर से करके आने, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का। आज हमारी इनकम टैक्स की क्लास नंबर 4 है, कल फिर हमारी 5 क्लास होगी, 6 क्लास मैं YouTube पे डालूंगा, मैंने पहले भी बोला है, उसके बाद की जो भी क्लासेस होंगी फेस टू फेस वालों के पास उनके गूगल लिंक पे आएंगी, वो कोड से ओपन हो जाएंगी, और ऑनलाइन वालों के पास भी तो डेली बेस पे क्लास आ ही रही है तो वो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो तो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी, सेम टाइम सेम जगह, ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, जब तक गवर्नमेंट ने कहा है अपने घर में रहो और बिना बात के बेकार की बातें बनाना बंद करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, जो होगा अच्छा होगा, हमारा काम कर्म करना है, कर्म करते रहो, अपने फल मिलता रहेगा, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू यार, गॉड ब्लेस यू।